लाइव है ऑल राइट सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स अच्छा वाला गुड मॉर्निंग बोलो दैट्स नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स एंड माय पीडी जीडी स्टूडेंट्स आल्सो यस ऑल हाउ अभी कैसे लग रहा है आपको कितने दिन हो गए आपको थर्ड डे टुडे तो मैनेजेबल है या थोड़ा मुश्किल लग रहा है थोड़ा बहुत ज्यादा <laughs> क्या क्या डिफिकल्ट लग रहा है तुमको यहाँ पे <laughs> क्या डिफिकल्ट इतने घंटे क्लासेस करना डिफिकल्ट है या सुबह जल्दी उठकर आना डिफिकल्ट है <laughs> अच्छा सुबह जल्दी उठकर आना डिफिकल्ट है देन डोंट यू ऑल स्लीप अर्ली वी ऑल आर गेटिंग फ्री बाय फाइव थर्टी नो हाँ अच्छा ऐसा फिक्स हो गया है तुम्हारा बट यू हैव टू चेंज ना थोड़ा सा एडजस्ट फिर भी आप यही सोचना कि लास्ट बैच के कंपैरिजन में आपका शेड्यूल बहुत बढ़िया है इमेजिन वन मोर सब्जेक्ट एडिंग ऑन टू दिस फिर क्या करते वन मोर सब्जेक्ट एडिंग ऑन टू दिस वुड हैव बीन डिफिकल्ट नो ओल सिलेबस फोर एंड फोर सब्जेक्ट फोर इन ग्रुप वन एंड फोर इन ग्रुप टू सो आई थिंक दिस इज मच बेटर ओके धीरे धीरे यू विल गेट यूज टू दिस शेड्यूल एंड रूटीन तो आप वैसे तो सुबह जल्दी पहुंच ही जा रहे हो तो ये अच्छी बात है आई होप द अटेंडेंस रिमेन्स लाइक दिस फॉर अ मेनी मनी मोर डेज टू कम लाइक दिस टिल द एंड ऑफ द बैच आई होप द अटेंडेंस इज द सेम ठीक है अब होमवर्क मिलना वगैरह चालू हुआ है क्या आपको नहीं, नहीं। अभी तक तो होमवर्क नहीं स्टार्ट हुआ है ठीक है आज से मैं स्टार्ट करती हूँ फिर ठीक है सो विल स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ होमवर्क ऑल्सो टुडे ठीक है चलो सो सीट स्ट्रेट स्पाइन कार्ड स्ट्रेट आई कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर एनी स्टूडेंट फ्रॉम दिस कॉर्नर to that corner i want you all to look here when I'm explaining and I'm talking to you chalega kya yes and live streaming students i hope aap log sab study table pe baith ke ek hi jagah pe aur na ki bed pe so ke lecture dekh rahe ho i want you to sit straight and have one fixed place while you are studying ठीक है तो आज जैसे मैंने बोला था थोड़ा सा क्या करेंगे Tax calculation करेंगे हम अभी क्या पढ़ रहे Income tax act 1961 थोड़ा सा फटाफट ये करेंगे income पे टैक्स लगाया जाता है इसीलिए हमारे टैक्स को क्या बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ ये इनकम टैक्स एक्ट कितना पुराना है क्या ये बहुत पुराना है और कब से लगाया जा रहा है तो थोड़ा सा उसका ब्रीफ हिस्ट्री में समझ के लेंगे बट पहले इनकम इट्स अ टैक्स ऑन इनकम एंड दैट इज़ वाईट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट टैक्स का वर्ड जो टैक्स वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है टैक्सो इट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इट मीन्स रेट ऑफ टैक्स उसके बाद एक्ट कैसे बनता है ये मैंने कल आपको बताया फर्स्ट अ बिल विल बी प्रपोज इट विल बी रेड आउट इन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पढ़ने के बाद प्रेसिडेंट जब साइन करेंगे वो बन जाता है एक्ट करेक्ट क्या हम इतना पुराना एक्ट पढ़ रहे हैं द आंसर इज नो अगर आप इनकम टैक्स एक्ट बुक यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ है अगर उसको देखते हो तो उसके आगे यही वर्ड लिखे हुए एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023 तो हमें कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 23. अब फाइनेंस एक्ट 24 जो आएगा वो किसको एप्लीकेबल होगा मे ट्वेंटी एग्जाम्स एंड नवम्बर ट्वेंटी एग्जाम्स ध्यान में आ रहा है क्या सबको तो हमारा एग्जाम कभी है नवंबर 24। क्या इनकम टैक्स का सिलेबस चेंज होते रहता है यस बिकॉज द फाइनेंस एक्ट चेंजेस द न्यू फाइनेंस एक्ट अच्छा अगर वहां पे कोई टैक्स के रेट चेंज हो गए कुछ प्रोविजंस चेंज हो गए तो आपको वो चेंज वाली चीजें अगले ईयर के लिए एप्लीकेबल हो जाती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो इस शब्द का हमने मीनिंग समझा इनकम uh, एक और एक्ट आया था 1922 में, उसकी हिस्ट्री अभी मैं आपको बताती हूँ लेकिन अब हमें समझा कि इनकम ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इनकम जो है इट इज डिड इन इनकम इसलिए इनकम को क्या डिवाइड करते बेटा फाइव हेड्स ऑफ इनकम इनकम को क्या करते अपन डिवाइड इन

अब देखो इसकी जो हिस्ट्री है आई यू गोट गेट अ क्वेश्चन ऑन द हिस्ट्री नो नो दिस राइट वी हैव वॉट बेटर क्वेश्चन टू आस्क राइट सो लेट एस अंडरस्टैंड मैम वॉट आर दो बेटर क्वेश्चन आज ही सिखाऊंगी वो टैक्स पूछेंगे टैक्स कैलकुलेशन पूछेंगे तो वो आज ही कैलकुलेशन आपको सिखाने वाली हूँ ठीक है ना यस yes. तो यहां देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इज दिस कि राजाओं के जमाने से टैक्स लेवी होता था किसके जमाने से टैक्स लेवी होता था राजाओं के जमाने से टैक्स लेवी होता था, लेवी होता था। बरोबर है का बरबर यस yes. तो किंग्स ऑल्सो यूज टू लेवी टैक्स कोई कोई मतलब गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में टैक्स लेते थे या काइन में टैक्स लेते थे आपका जो क्रॉप है उसका आपने अगर फार्मर है तो आपका थोड़ा सा क्रॉप ले लेते थे एज अ टैक्स सो so, टैक्स जो लेवी होता था इट कुड बी लेविड इन काइंड ऑल्सो और कॉइन्स में आपको देना पड़ता था सो so, टैक्स जो है ये बहुत ही पुराना है सो फर्स्ट इट वॉज ऑल्सो लेविड बाय किंग्स तो जब किंग्स और इस टाइप के सिस्टम हुआ करता था तब से टैक्स लेवी किया जाता था उसके बाद आया 1857। 1857 में द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट हुआ था अगर हिस्ट्री आपको याद आ रहा है तो ठीक है इस रिवोल्ट में क्या हुआ था रानी लक्ष्मीबाई मंगल पांडे रानी लक्ष्मीबाई मंगल पांडे इनके नाम हमने बहुत सुने प्लस अलग अलग जगहों पे बहुत रिवोल्ट होने लगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमने क्या चालू किया रिवोल्ट करना चालू किया तो अलग अलग जगह पे रिवोल्ट होने लगा ब्रिटिशर्स को इसे कंट्रोल करने में इनके सारे पैसे खर्च हो गए किसके पैसे खर्च हो गए ब्रिटिश के ब्रिटिशर्स के सारे पैसे खर्च हो गए द क्वीन ऑफ इंग्लैंड गॉट वेरी अपसेट शी सेड व्हाट इज दिस आपने तो मेरी पूरी ट्रेजरी खाली कर दी है आप इंडिया गए थे ट्रेडिंग करने के लिए वहाँ से पैसे कमाने के लिए और आपने जो है मेरी पूरी ट्रेजरी खाली कर दी तब हमने लेवी किया 1860 में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स लेवी किया गया था तो तभी एक एक्ट आया था और तब हमने 1860 में फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑफिशियली इनकम टैक्स लेवी करना चालू किया था उसके बाद ये जेम्स विल्सन ने लेवी किया था उसके बाद 1922 में वी हैड अनादर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ़ कोर्स दैट्स क्वाइट ओल्ड उसमें चेंजेस करके फाइनली आया इनकम टैक्स एक्ट 1961 which is applicable from 1st april 1962 it is applicable from 1st april 1962 फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन सिक्सटी टू इट्स इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन अप्रैल कहाँ से आ गया न्यू ईयर हमारा ईयर कहाँ से अभी कल भी बताया ईयर कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है फाइनेंशियल ईयर चलो चलो ईयर कैसा है कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल मतलब हमारा ईयर कहां से होगा अप्रैल से लेके मार्च हमारा ईयर कहाँ से होगा अप्रैल से लेके मार्च बराबर है क्या सबको ध्यान में आ रहा है क्या सबको यस तो व्हाट इज दिस दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स क्विकली नोटेड डाउन नोटबुक पेजेस द नोटबुक पेजेस उसके नेबर को पनिशमेंट मिलने वाली है नंबर योर नोटबुक पेजेस आई वॉन्ट योर नोटबुक टू हैव अ पेज नंबर कंपल्सरी You have to follow all my instructions that I give you in the class. Note it down quickly. Number your notebook pages, compulsory. There is no choice. You have to number your notebook pages. टैक्स तो चाणक्य ने लगाया था चाणक्य के इसमें भी टैक्स है रीजन बिहाइंड नंबरिंग यू डोंट नीड अ रीजन व्हेन आई से यू हैव टू जस्ट डू इट अंडरस्टैंड दैट क्लास का एक रूल समझो मैंने बोल दिया तो आपको करना है देयर इज अ रीजन टू दैट बट मैं शेयर नहीं करना चाह रही अभी क्योंकि अभी इतना रीजन सफिशिएंट है कि मैम ने बोला है इसलिए करना है इज द फंडा वेरी क्लियर यस एम द बॉस ये डू यू अंडरस्टैंड दिस ये चलो ये हो गया क्या लिख के सबका ओके आगे जाएंगे अभी नाउ एवरी पर्सन अर्निंग इनकम हैज टू पे इनकम टैक्स एवरी पर्सन अर्निंग इनकम इन द प्रीवियस इयर हैज टू पे इनकम टैक्स लेट एस सी डू यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स ओके सो नेक्स्ट लाइन यू कैन राइट डाउन एवरी पर्सन अर्निंग इनकम In the previous year has to pay income tax. Is it clear? Kya, 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 bolo? Every person earning income in the previous year has to pay income tax and you have to file your ITR in the next year and that next year is called as assessment year. बराबर है? and that next year is called as the assessment year. जैसे मैंने आपको example दिया सातवें को result आया तो ICAI ने बोला क्या चलो चलो तुरंत आज के आज registration कर दो आपको टाइम दिया कि नहीं वैसे ही एक अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च तक ईयर कंप्लीट होगा आप पैसे अर्न कर लो फिर उसके स्टेटमेंट्स लेके जाओ सीए के पास जाओ उसका वर्किंग करो और बाद में रिटर्न भरो तो ये रिटर्न भरने के लिए हमने आपको कुछ टाइम दिया है कितना टाइम दिया है आपको थर्टी फर्स्ट जुलाई क्या बोला था कल मैंने समटाइम्स थर्टी फर्स्ट जुलाई समटाइम्स थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबर बोलो समटाइम्स थर्टी फर्स्ट जुलाई समर्टी फर्स्ट अक्टूबर ध्यान में आ रहा है क्या सबको यस yes. तो एवरी पर्सन अर्निंग इनकम इन द प्रीवियस ईयर हैज टू पे इनकम टैक्स एंड फाइल आई टी आर आई टी आर का फुल फॉर्म क्या है इनकम टैक्स रिटर्न और आई टी आर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज आर ओ आई आर ओ आई इज रिटर्न ऑफ इनकम कुछ भी कोई लोग उसको आर ओ आई बोलेंगे कोई लोग उसको आई टी आर बोलेंगे आई टी आर का फुल फॉर्म क्या है इनकम टैक्स रिटर्न आर ओ आई का फुल फॉर्म क्या है रिटर्न ऑफ इनकम लिखने का है तो तुरंत लिखो आईटीआर का फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न आर ओ आई है रिटर्न ऑफ इनकम बराबर है क्या वही ध्यान में आ रहा है ना सबको यस yes, ओके yes? okay. अब यू हैव टू फाइल द आईटीआर एंड आर ओ आई इन द नेक्स्ट ईयर दैट इज असेसमेंट ईयर तो एग्जाम्पल अगर आपका पी 23 ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर है मतलब फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थ्री टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर इसका ए वाई होगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव करेक्ट है देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉ को भी टैक्स लगता है ऑफकोर्स लगता है हम सीखने वाले हैं बराबर है क्या लिखा क्या सबने ओ लिखा ना यस सो एवरी पर्सन अर्निंग इनकम इन द प्रीवियस ईयर हैज टू पे टैक्स नाउ इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी नाउ यहां पे मैं पर्सन आपको सिखाने वाली हूँ थोड़ा सा सिखाऊंगी पर्सन की डेफिनेशन दो मिनट हीस ईयर सो डू वी नो द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर यस ऊपर हमने लिखा है प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल टू थर्टी फर्स्ट मार्च इन विच यू अर्न योर इनकम बराबर है क्या यस yes. उसके बाद यू हैव टू पे इनकम टैक्स एंड फाइल इन द नेक्स्ट ईयर एंड दैट नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल की पीवा ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर चमेली को इन्फोसिस में जाने दो सैलरी मिलने दो आराम से उसको बोलो मार्च खत्म होने के बाद जुलाई में तुझे फा फाइल करना पड़ेगा तुम्हारा आई टी आर ठीक है तो ये क्लियर हो गया क्या यस yes? अब आप हेडलाइंस लिखोगे डू यू नो द मीनिंग ऑफ हेडलाइन वॉट इज हेडलाइन टॉप रेड मार्जिन चलो वॉट इज हेडलाइन टॉप रेड मार्जिन तो हेडलाइन आज की ताजा खबर चलो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग आई टी आर फॉर पी वाई

अब देखते हैं ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ अप्रैल 23 मई 23 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 23 दिसंबर 23 जैन 24 फेब 24 मार्च 24 ईयर खत्म हो गया कहाँ खत्म हो गया मार्च 24 और ईयर कहाँ खत्म हो गया मार्च 24 उसके बाद अप्रैल 24 मई 24 जून 24 जुलाई 24 तो इसके आईटीआर की ड्यू डेट होगी थर्टी फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी फोर और थर्टी फर्स्ट 24 ट्वेंटी फोर लिखा क्या आपने हेडलाइंस लिखना बहुत जरूरी है मैं कभी नेक्स्ट uh, वीक में आपके हेडलाइंस पे टेस्ट लेने वाली हूँ किस पे टेस्ट लेने वाली हूँ हेडलाइंस पे तो आपको हेडलाइंस लर्न करके आना है मैं ओरली हेडलाइंस की क्या लेने वाली हूँ टेस्ट लेने वाली समझ में आता है क्या यस yes. अब सुनना नाउ समबड़ी एड अ क्वेश्चन और लिसन वेरी केयरफुली ओके इधर ही अगर इसी हेडलाइन में स्पेस होगा तो सुप इधर ही लिखेंगे नहीं तो अगले हेडलाइन हेडलाइन हैजू बी ऑन अ फ्रेश पेज गो फॉरवर्ड और गो बैकवर्ड गो फॉरवर्ड आधर राइट ऑन ब्लैंक पेजेस या जो ऑलरेडी लिखा है आप बैकवर्ड भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब सुनना जनरली ऑडिट वाले केसेस के लिए कुछ केसेस को इनकम टैक्स बोलता है आपको क्या करके लेना पड़ेगा ऑडिट करके लेना पड़ेगा क्या करके लेना पड़ेगा ऑडिट मतलब सीए के पास जाके चेक करके लेना पड़ेगा कि सीए बोलेगा हाँ हाँ इसकी बैलेंस शीट सही है बराबर बनी है सीए साइन करेगा अपना बराबर है क्या तो सीए विल से द बैलेंस शीट इज ट्रू एंड फेयर ट्रू एंड करेक्ट ट्रू एंड फेयर यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल सो इस केस में क्या होता है इफ आई हैस्ट फाइल रिटर्न अगर आपका काम है जस्ट टू फाइल द रिटर्न तो आप क्या करोगे आपका ड्यू डेट होगा 31 जुलाई 24 और इस दिन आप आई भर दोगे लेकिन अगर मुझे ऑडिट इज एप्लीकेबल क्या एप्लीकेबल हो गया इफ ऑडिट इज एप्लीकेबल मैम ऑडिट किसको एप्लीकेबल है मैं पढ़ाने वाली हूँ पढ़ाने वाली हूं मैं पढ़ाऊंगी आपको ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट कंपनी एक्ट भी एक ऑडिट प्रिस्क्राइब करता है जीएसटी में भी ऑडिट होता था तो ऐसे हर एक्ट में ऑडिट होता है गवर्नमेंट ने एक्ट टाइम पास के लिए नहीं बनाया एक्ट बनाने के बाद सीए को बोला तू ऑडिट कर सारे प्रोविजंस फॉलो हो रहे कि नहीं गिव अस ऑडिट रिपोर्ट गिव अस ऑडिट रिपोर्ट तो जब ऑडिट इज एप्लीकेबल दो चीजें करनी पड़ती है 30 सितंबर 24 को आपको सबमिट करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट और 31st अक्टूबर 24 को आपको सबमिट सब्म, करना पड़ेगा आपका आई अगर सिर्फ आई है, जैसे कि सैलरीड पर्सन चमेली उसका क्या ही ऑडिट करेंगे डायरेक्टली उसका क्या भरेंगे अपन? रिटर्न भरेंगे। डायरेक्टली उसका क्या फाइल करेंगे रिटर्न तो रिटर्न की ड्यू डेट क्या है थर्टी जुलाई सीएसए ऑडिट करवाना है तो टाइम ज्यादा दिया है टाइम

ऑडिट करने के बाद टाइम पास नहीं हो रहा है हमको रिपोर्ट सही है सही है कि गलत है क्या प्रॉब्लम रिपोर्ट दो तो ऑडिट वाले केसेस में आपको रिटर्न भी भरना है और ऑडिट रिपोर्ट भी देना है और जिनको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है उनका क्या भरना है सिर्फ आईटीआर टी है क्या चलो ये समझा क्या सबको यस yes. so तो जस्ट राइट दिस अनादर हेडलाइन तो इफ यू वांट टू यूज अनादर पेज नेक्स्ट पेज पे आप लिख सकते हो ये क्या है आपकी सारी हेडलाइंस आई आर फीलिंग हॉट और आई मई उल्ली फीलिंग हॉट गर्म हो रहा है क्या आपको yes. नहीं yes. हो रहा है ना वेट देन वन जे कम आई टेल देम एसी का टेम्परेचर कम करने के लिए बोलती हूँ ठीक है ऑल साइड नो एवरीबडी इज नो दैट साइड इज ओके ठीक है चलो <laughs> हो गया हेडलाइन लिख के वॉट नो राइट फास्ट माला ए सी है कर ना टेम्परेचर गरम होता है ए टेम्परेचर कमी कर ओके okay, क्या ए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं ठीक है अब मैं पर्सन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ और डिरेक्टली कर दे क्या टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट ओके टैक्स कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये रिपीट करना पड़ेगा मेरे साथ सो दैट वी नो किस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं इसको क्या बोल रही हूँ मैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स चलो तो पहले कौन सा हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी फिर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिर आता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन विच वी विल कॉल इट एज पी ओके है क्या यस yes. पीजीपीपी के बाद कौन सा हेड है कैपिटल गेन्स उसके बाद क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टोटल इज कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम GTI व्हाट इज GTI ग्रॉस टोटल इनकम टोटल ऑफ फाइव हेड्स ऑफ इनकम टोटल ऑफ फाइव हेड्स ऑफ इनकम उसके बाद आपको आएंगे डिडक्शंस 80C टू 80U दीज आर सम

एंड इट इज फोर परसेंट वो मैं आपको बताऊंगी फिर टैक्स लाइबिलिटी उसमें से अगर आपने ऑलरेडी एडवांस में दिया होगा तो वो माइनस करेंगे फिर आपने अगर टी डी एस टीसीएस होगा तो वो भी माइनस करके बैलेंस आपको पेएबल है या रिफंडेबल है इतना सही है क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को एनी बडी हैविंग एनी डाउट एज फार एज पॉसिबल ट्रा एंड फिनिश्ड लर्निंग विथ मी इन द क्लास इथ सेल्फ अगले वीक में आपकी एक टेस्ट होगी एम तो जो भी हम क्लास में अभी पढ़ रहे हैं टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर मैं टेस्ट लूंगी आप जो भी पढ़ रहे कहू टैप होता है उस पर मैं टेस्ट लूंगी जैसे प्री रिजल्ट में कुछ बच्चों ने दिया था बट यहाँ पे अभी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और भी प्रोविजन्स पढ़ाऊंगी तो अगले वीक आपका एम टेस्ट होगा सो तो इसीलिए जो भी हम कर रहे हैं क्लास में टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने लर्न करो ऐसे आपको बोलिए वो सब आपको लर्न करना है इज दैट ओके तो रेगुलरली टेस्ट होगी तो आप क्या करते रहोगे रिवाइज करोगे टेस्ट है तो हम रिवाइज करेंगे बराबर है क्या ओके okay. अब सुनना अब ये जो पर्सन है अब एवरी पर्सन अर्निंग इनकम हैज टू पे टैक्स ये हमने लिख के लिया था बराबर है ना अब ये लिखा हुआ है हमारे पास एवरी पर्सन अर्निंग इनकम इन द हैज टू पे इनकम टैक्स एंड फाइल इन द नेक्स्ट ईयर एंड दैट नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड एज द असेसमेंट ईयर एवरी पर्सन मतलब क्या नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन पर्सन की डेफिनेशन हमें समझनी है पर्सन की डेफिनेशन कोई हमें पूछने वाला नहीं है बट वी शुड नो सी आपके पास अगर क्लाइंट आता है और बोलता है कि मुझे ना बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऐसे अच्छा तुम कैसे बिजनेस करने वाले हो तुम खुद से करने वाले हो या किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने वाले हो या यू आर गोइंग टू फॉर्म अ कंपनी और आर गोइंग टू हैव अ ज्वाइंट वेंचर और इज इट जस्ट अ एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एल एल पी इनकम टैक्स बोलता है एक काम कर लो आप है ना बिजनेस एज अ प्रोपराइटर मतलब खुद से करो प्रोपराइटर मतलब ऑन योर ओन ऑन माई ओन आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस मैं अकेले बिजनेस कर रही हूँ बिजनेस और दैट बिजनेस में बी ओन बाई अ पार्टनरशिप फर्म और अ बिजनेस इज कैरिड आउट बाय कंपनी इनकम टैक्स बोलता है हमें फर्क ही नहीं पड़ता तुम एज अ कंपनी बिजनेस करो तुम एज अ इंडिविजुअल पैसे कमाओ तुम एज अ फर्म पैसे कमाओ तुम एज अ एल पैसे कमाओ बॉस सबको टैक्स देना पड़ेगा सबको टैक्स देना पड़ेगा हां टैक्स सबका अलग अलग है सबका टैक्स सेम नहीं है एवरीबडीज टैक्स इज नॉट द सेम एवरीबडीज टैक्स इज नॉट द सेम नॉट टुडे यू डोंट राइट डाउन पर्सन की डेफिनेशन में आपको डिटेल में और बताऊंगी आप लिखना मत सिर्फ मैं लिखूंगी पर्सन यहां पे जो पर्सन है इट कैन बी अ इंडिविजुअल इंडिविजुअल का मतलब होता है प्रोपराइटर इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है प्रोपराइटर नाउ इफ आई इफ आई एम अ फर्म बोला मतलब बट आई एम द प्रोपराइटर फर्म मेरे नाम पे है आई एम द प्रोपराइटर सो आई एम गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक अ इंडिविजुअल आई एम गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक अ इंडिविजुअल बराबर है या नीचे यहां कोई शॉपकीपर है मोटा भाई मोटा भाई की शॉप है ही इज डूइंग बिजनेस तो आप बोलते हैं यार ये बिजनेस कौन कौन करता है नहीं मैं ही करता हूं ये सब मेरा ही है दैट मीन्स मोटा भाई इज अ इंडिविजुअल प्रोपराइटर मोटा भाई इज अ प्रोपराइटर ही इज अ इंडिविजुअल या चमेली चमेली इज अर्निंग सैलरी ये भी क्या हो गई इंडिविजुअल मोटा भाई क्या हो गए इंडिविजुअल मैंने अगर कुछ प्रैक्टिस किया एज एन इंडिविजुअल आई एम अ आई एम अ इंडिविजुअल करेक्ट है आप इंडिविजुअल हो सकते हो आप एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो आप एलएलपी बना सकते हो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो यू कैन हैव अ जेवी विच इज कॉल हैजेक्निकल टर्म इन इनकम टैक्स विच इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन आई एम गोट कम टू दैट या आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया क्या फैमिली बिजनेस होता है कि ग्रैंडफादर कपड़े की दुकान है फिर फादर वहीं पे जा रहे हैं फिर आगे की नेक्स्ट जनरेशन भी दुकान पे ही जाके बैठ रही है एक्सपांड कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं दैट मीनस एन यू हैविंग अन्सेस्ट्रल बिजनेस एनसेस्ट्रल फैमिली बिजनेस दैट मीन्स एन यू आर कॉल्ड एज अ एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देन यू आर कॉल्ड एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अफकोर्स जी डी स्टूडेंट्स की भी टेस्ट होगी फिलहाल तो ऑनलाइन है तब तक आप दे सकते हो अदरवाइज जी डी स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गिव दिस टेस्ट आफ्टरवर्ड्स ओके वी शेयर द लिंक ऑन जो टेस्ट मैं कहूट पर लेती हूँ आ इधर आप ऑनलाइन मेरे साथ भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी एनीबडी ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो गिव द टेस्ट अगेन इफ आई गिव यू लिंक फॉर दैट ओके सो दैट लिंक इज शेयर विद द जी डी स्टूडेंट्स ऑल्सो ठीक है यस yes. अब देखना आई एम डूइंग बिजनेस एज ए इंडिविजुअल आई कैन डू बिजनेस एज अ फर्म कभी कभी लगता है मेरे से अकेले से मैनेज नहीं होगा एक फर्म बना लेते हैं पार्टनर्स दो दोस्त मिलके फर्म बनाएंगे या आप एलएलपी बनाओ या आप कंपनी बनाओ कंपनी बहुत जरूरी है जैसे आपने अगर शार्क टैंक में देखा होगा कंपनी को हम क्या ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स क्या देखा है आपने और इक्विटी और डेट हाँ तो कंपनी को पैसे रेज करने के दो तरीके होते हैं इधर आप लोन लो डेट इज डेट फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या आप आपका ओनरशिप शेयर करो तो आपको फिर इक्विटी देना पड़ेगा समझ में आता है क्या तो समटाइम्स तो शार्क टाइम में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम क्या देंगे आपको इक्विटी देंगे कभी कभी बोलते हैं इक्विटी प्लस डेट देंगे क्यों इक्विटी में रिस्क होता है कंपनी अच्छा, काम नहीं करी अच्छे से नहीं चला आगे तो हमारे शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और डेट में रिस्क नहीं होता है कंपनी का कुछ भी होने तो मुझे ब्याज मिलने वाला है बराबर है कि नहीं तो इसलिए कंपनी कैन रेज मनी इन टू फॉर्म्स इक्विटी एंड डेट तो पीपल फॉर्म कंपनीज एच यू एफ इज ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एच यू एफ इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बराबर है क्या यस yes. अब इसमें और दो है एओपी बीओआई ये क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड देर इज एजेपी एंड देर इज़ अ लोकल अथॉरिटी तो कुछ कुछ चीज़ें मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी आपको अब फिलहाल मैं थोड़ा सा टैक्स कैल्कुलेशन स्टार्ट करती हूँ सो दैट वी हैव सम प्रैक्टिकल ऑल्सो एंड देन अगेन टूडेज लेक्चर विल भी प्रैक्टिकल प्लस थियोरी का मिक्स करेंगे ठीक है क्या चलो तो आप पहले लिखते हैं टैक्स कैल्कुलेशन राइट डाउन टैक्स रेट्स फॉर पहले इंडिविजुअल टैक्स रेट्स किसके लिए अभी इंडिविजुअल के लिए रेडी है क्या तुम लोग मजा लैपटॉप का ये फैन बंद कर रहा था ए हो गया ना अच्छा भी कूलिंग हो गया ना हो गया ना डन है स्टार्ट करें ओके ना अटेंशन एंड अंडरस्टैंड ये जो टैक्स कैलकुलेशंस होते हैं टैक्स कैलकुलेशंस होते उसका कैसे होने वाला है देखना इंडिविजुअल जो है सिस्टम क्या सिस्टम है हमारे पास लैडर सिस्टम अच्छा कितने बच्चे प्री रिजल्ट में मेरे साथ किए हुए हैं टैक्स कैलकुलशन जस्ट लेट मी गेट एन आइडिया ओके सो वेरी फ्यू ओके ओके फाइन सो नो प्रॉब्लम नो लिशन टैक्स रेट फॉर अ इंडिविजुअल टैक्स कैसे होता है लैडर सिस्टम से होता है टैक्स कैसे चलता है लैडर सिस्टम से ध्यान से सुनने का पहले लिखो मत ठीक है पहले कैसे होता है आपका जो इनकम है टैक्स किस पे पे करना होता है यू हैव टू पे टैक्स ऑन एन टी आई टैक्स किस पे पे करना होता है एन टी आई बरबर ना जी टी आई पे या एन टी आई पे एन टी आई पे सो टैक्स इज एनटीआई विच इज नेट टैक्सेबल इनकम ओके अब देखना जो टैक्स का सिस्टम है वो कैसा है आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो सो आई विल स्टार्ट जीरो देन फ्रॉम जीरो आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लैब दिस इज कॉल्ड एज बीई एल -E होता है बीई एल -E का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बताती हूं कोई लिखेगा नहीं आप सिर्फ समझ के लोगे क्या बोलती है तू कुछ नहीं बोलेगी प्री रिजल्ट बैच टू मिनट्स टेन मिनट्स रिलैक्स ओके यस क्या बोलते रे हाँ ठीक है ठीक है चलो चलो अब सुनना टैक्स कहाँ से स्टार्ट होने वाला है जीरो जीरो से लेके टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक कहा से, से लेके कहां तक जाना है अपने को 50, तक मैम दिस इज द बेसिक एग्जम्शन लिमिट मतलब इस अमाउंट तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती तो एनी इनकम दैट यू अर्न फ्रॉम जीरो टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड द टैक्स रेट इज जीरो परसेंट कितना टैक्स रेट है जीरो परसेंट सो वॉट एवर यू अर्न फ्रॉम जीरो टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है उसका टैक्स रेट क्या होने वाला है जीरो ना वट एवर इनकम यू अर्न फ्रॉम टू लैख फिफ्टी टू द नेक्स्ट फाइव लैक्स टू द नेक्स्ट फाइव लैक्स सो टू लैख फिफ्टी से लेके पांच लाख तक आप जो भी इनकम कमाओगे उस पर टैक्स का रेट होता है कितना प्री रिजल्ट वाले बहुत सीरियसली ले लिया उन्होंने मैंने बोलते एकदम भी क्वाइट ना फाइव से लेके आगे तक टेन लैक्स फाइव से लेके टेन लैक्स तक द टैक्स रेट इज ट्वेंटी परसेंट एंड अबाउ टेन लैक्स ओके ना पे अटेंशन वॉट डज दिस मीन लेट अस अंडरस्टैंड एंड लेट अस अज्यूम कि आपका एन टी आर दस लाख है चलो पहले मुझे लैडर बताओ सी बताओ कैसे चढ़नी आपको जीरो टू टू लैख्टी इज दिसक्स फिक्स एक्ट यस टेन लैक्स ऑल्सो फिक्स बाय द एक्ट यस ये सारे रेट किसने दिए इनकम टैक्स एक्ट ने दिए ये मुझे कुछ 250 पसंद है 5 लाख पसंद है जीरो पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है ये किसने दिया है इनकम टैक्स एक्ट ने दिया है तो लैडर कैसे बताओ मुझे जीरो टू टू लैक फिफ्टी टू लैख फिफ्टी टू फाइव लैक्स फाइव लैक्स टू टेन लैक्स चलो फिर से बोलो जीरो टू टू फिफ्टी टू लैक फिफ्टी टू फाइव लैक्स फाइव लैक्स टू टेन लैक्स एंड अब टेन लैक्स टू फिफ्टी तक जहां पे रेट जीरो होता है उसको बोला जाता है बेसिक एग्जम्पन लिमिट क्या बोला जाता है बेसिक एक्जम्शन लिमिट दैट इज द बी एन टैक्स ही नहीं देने का अपने को जीरो परसेंट टैक्स है यहाँ पे बराबर है क्या अब देखना लेट्स अज्यूम अगर किसी पर्सन का एन टी आई लेट्स इज एग्जैक्टली टेन लैक्स तो कैसे कैलकुलेशन होंगे देखना आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एग्जैक्टली टेन लैक्स पहले देखेंगे मैं कहा से स्टार्ट करूंगी जीरो जीरो से लेके मुझे कहां तक चढ़ना है मुझे जंप करना है आई हैव टू जंप फ्रॉम हैैक्स फिफ्टी थाउजेंड हाउ मच इनकम इज कवर्ड इन बिटवीन फ्रॉम जीरो टू टू फिफ्टी के बीच में कितना इनकम कवर्ड है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पे आपको टैक्स का रेट है जीरो परसेंट so टैक्स देना पड़ेगा जीरो ओके okay. अब कैलकुलेटर आप लो ना देखते नहीं बैठने का सिर्फ अभी कैसे भी बोलना पड़ता क्या कैलसी लो लिया क्या कैलसी सबने रेडी एवरीबडी विद कैलसी रेडी ना माइकॉड अभी सी तो उसने बहुत ये कर दिया उसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बोलना पड़ेगा <laughs> अब सुना जीरो टू टू फिफ्टी तक जीरो टैक्स अब 250 से लेके आगे मुझे कहाँ तक चढ़ के जाना है पांच लाख तक तो 250 और 5 लाख के बीच में कितनी सीढ़ियां है या 250 और पांच लाख के बीच में कितना इनकम है 5 लाख माइनस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड आपको और कितना चढ़ना है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड सो ऑन दिस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड वॉट इज द टैक्स रेट फाइव परसेंट तो इस टू लैख फिफ्टी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव अच्छा मैम ऐसा नहीं है क्या कि दस लाख पे रेट ट्वेंटी परसेंट था लिफ्ट नहीं है ये दिस इज अ लैडर आपको हमेशा स्टेर नीचे से चढ़ना पड़ेगा ये लिफ्ट नहीं है कि तुरंत उधर पहुंच जाओ दस लाख पे ऐसा नहीं देखना है कि दस लाख पे वो बीस परसेंट है या थर्टी है तो चलो डायरेक्टली टेन पे थर्टी नहीं दिस इज अ लैडर सिस्टम यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो नीचे से स्टार्ट करना है आपको और चढ़ते हुए ऊपर जाना है जहां तक आपने इनकम कमाया वहां तक ऊपर जाना है आपको तो आपने कितना कमाया है दस लाख

दस लाख तक इसके बीच में कितना इनकम कवर है पांच से लेकर दस तक कितनी सीढ़ियां है या कितना इनकम है तो इसके बीच में ये जो इनकम है ट्वेंटी परसेंट देखो टू जीरो टू टू, टू, टू फिफ्टी जीरो परसेंट टू फिफ्टी टू फाइव फाइव परसेंट फाइव टू टेन ट्वेंटी परसेंट ध्यान में आ गया क्या आपको yes तो अब देखो यहाँ पे ये कितना टैक्स आ रहा है माने अगर किसी व्यक्ति ने एग्जैक्टली दस लाख कमाया तो ही हैज टू पे टैक्स ऑफ वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही हैजू पे टैक्स ऑफ वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इफ अ पर्सन एन टी आई इज टेन लैक्स आपको कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस मे बी सरचार्ज आई सरचार्ज विल कम ओनली वैन द इनकम एक्सीड्स फिफ्टी लैक्स सरचार्ज सबके है क्या नहीं सरचार्ज कब लगेगा वेन इनकम एक्सीज फिफ्टी लाख मे बी सेस आएगा वहां तक मैं नहीं पहुंची हूं. मैं आपको पहले क्या सिखा रही हूं सिर्फ टैक्स उसके बाद सिखाऊंगी सिखाऊंगी सरचार्ज उसके बाद एचईसी क्या पक्का यस विल यू राइट दिस डाउन अच्छा ये किसके लिए सुनना दिस इज अ टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल बिलो सिक्सटी बिलो सिक्सटी ईयर बिलो क्या सिक्सटी ईयर्स के लो उन्हा टू फिफ्टी टू फाय एक्झाम नाही होता है वेट टेम्परेचर वाढो खूपच गार झालं आहे किती आहे हां नको वाढो आता गार झाले खूप आता एटीन आहे ना ट्वेंटी कर ठीक आहे लिखा क्या रे ये हो गया स्क्रॉल करूँ क्या नहीं ओके okay. यस लाइव स्ट्रीमिंग नमन कार्तिक गायत्री उन्नत राधा अलीशा संदीप आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कार्तिक ट्विंकल सबको ध्यान में आ रहा है हो गया क्या ये नीचे वाला पार्ट लिखना है ना आपको अभी राइट डाउन अच्छा एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन होगा रुक जाओ अभी सिखाऊंगी पहले सिखा रही हूँ फिर हम प्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे ठीक है नोट कर लिया कीप नंबरिंग योर नोटबुक पेजेस कीप नंबरिंग योर नोटबुक पेजेस आज बहुत लिखने वाला है आज बहुत कैलकुलेशन करेंगे आज इनकम दस लाख से लेके आगे सात आठ करोड़ तक जाएगा और वहां नीचे स्टार्ट करके ऊपर तक सब कैलकुलेशन करेंगे ठीक है बीच में हाफ एन आर आई विल टेक सम थ्योरी ऑल्सो यस आई विल टेक थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने के बाद हाफ एन आर आई विल टेक थोड़ा सा थ्योरी इन बिटवीन ठीक है हाँ बस एक ही चैप्टर लेट मी स्टार्ट द विदेंड चैप्टर देन द रियल इनकम टैक्स स्टार्ट हो गया लिख के ए हुआ क्या ए, क्या नैम कितना टाइम लगा रहे है? ने बर्स चेक आई इज एवरीबडी नंबर इंग द नोटबुक पेजिसर कब से स्टार्ट होगा ओ माई गॉड यस आदित्य चैप्टर स्टार्टेड ही है बेसिक चैप्टर चल ही रहे ना बेटा इट इड यू ऑल कैलकुलेट एनीबडी इज है यू हैव डोट गेट डोटिटेट पक्का ओके विल गो हेड आइल गो हैड अब सुनना इफ इंडिविजुअल जो होता है इंडिविजुअल का एज इज सिक्सटी इयर्स और अबाव इज सिक्सटी इयर्स और अबाउ देन देन यू आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन देन आपको क्या बोला जाएगा सीनियर सिटीजन आपको क्या बोला जाएगा बेटा सीनियर सिटीजन कब बोला जाएगा सीनियर सिटीजन सिक्सटी और अबाव सिक्सटी ईयर और अबाव के ऊपर के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे सीनियर सिटीजन सिक्सटी और अबाव के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन को थोड़ा टैक्स बेनिफिट देना चाहिए कि नहीं हाँ, तो अब सुनो ना ध्यान से लैडर आपको ड्रॉ करने के लिए बोलूंगी आपको क्या ड्रॉ करने के लिए बोलूंगी लैडर आपको बनाने के लिए बोलूंगी पहले मुझे ओरिजिनल लैडर बोलो चलो ओरिजिनल लैडर रिपीट जीरो अच्छा, और रेट्स क्या है जीरो परसेंट फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फिर से बोलो जीरो परसेंट टू फिफ्टी टू फाइव लैक्स फाइव लैक्स टू टेन लैक्स एंड अबाउट टेन लैक्स लर्न हो गया क्या yes, अब एक कोशिश करते हैं, ठीक है और बिंदास गलती करने का जितनी गलतियाँ करने क्लासरूम में कर लो सो so दैट हम एग्जाम में नहीं करेंगे पहली बात घबराना नहीं है आपका जो भी स्कोर हो आपको अटेम्प्ट लगा हो आप डायरेक्ट एंट्री से हो आपका बढ़िया स्कोर है जो भी है ऑलवेज हैव द थिंग कि नहीं मुझे सीखना है और बहुत अच्छे से करना है आपने खुद से ट्राई करना चाहिए क्लास में एंड हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लास डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एनी डाउट्स ठीक है अब सुनो मैं आपको एक बात बोलूंगी सीनियर सिटीजन हुई सिक्सटी और अबाउ उसके लिए बेसिक एग्जामेशन लिमिट उसके लिए क्या बेसिक एग्जामेशन लिमिट बेसिक दिन लिमिट फॉर अ सीनियर सिटीजन इज थ्री लैक्स कितना है थ्री लैक्स बाकी सब कुछ सेम है अब सिर्फ चेंज होगा वो होगा जीरो टू थ्री लैक्स बाकी पांच दस ये लैडर सारे सेम है ये क्या है ये सब कुछ सेम है कैन यू ड्रॉ अ लैडर फॉर सीनियर सिटीजन कैन यू ड्रॉ अ लैडर फॉर सीनियर सिटीजन पहले 250 फिर 5 लाख कैसे आया है? ये एक्ट ने दिया है बेटा कुमकुम कुमकुम ये एक्ट ने दिया है ठीक है 250 5 फाइव लैक्स टेन लैक्स ये स्लैब्स किसने दिए एक्ट ने दिए ये लिखा कि आपने इंडिविजुअल एज इज सिक्सटी और अबाव देन यू आर कॉल्ड अ सीनियर सिटीजन लिखा और उसके नीचे लैडर ड्रॉ करो और आराम से करो मैं रफ में करता हूं पेंसिल से करता हूँ गलत हो जाएगा डू इट कॉन्फिडेंटली गलत हो गया तो काट के फिर से करेंगे क्या समझ में आ रहा है क्या सबको यस yes. रेडी है क्या तुम लैडर बन गया कितने बच्चों का लैडर बन गया चलो चलो जल्दी बोलो कितने बच्चों का लैडर बन गया बन गया वाओ नाइस विल यू टेल मी नाउ टैक्स भी निकाल लिया ओहो ओहो अब देखते हैं लैडर देखते हैं अभी हमारा कैसे है लैडर हमारा स्टार्ट हमेशा कहां से होगा जीरो से जीरो से लेके आगे कहां तक जाएगा बी एल तक और यहाँ बी एल कितना है थ्री लैक्स तो जीरो टू थ्री लैक्स के बीच में टैक्स रेट विल बी जीरो परसेंट और थ्री से लेके आगे पांच लाख तक जाएगा कहाँ तक जाएगा फाइव लैक्स तक सो जीरो टू सॉरी जीरो टू थ्री लैक्स थ्री टू फाइव एंड फाइव टू टेन दिस इज द लैडर फॉर हुम सीनियर सिटीजन यहाँ पे जीरो परसेंट यहाँ पे फाइव परसेंट यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट एंड अबाउट टेन लैक्स थर्टी परसेंट आर यू रियलाइजिंग टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर पहले थोड़े पैसे पे जीरो परसेंट फिर और कमाओगे तो फाइव परसेंट फिर और कमाओगे तो ट्वेंटी परसेंट और कमाओगे तो थर्टी परसेंट दिस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट्स आर इंक्रीजिंग एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट आर इंक्रीजिंग मतलब इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर झेपता है क्या झेपता है पक्का ठीक है चलो तो इसका टेन लैक्स पे टैक्स कैलकुलेट करो सो एन टी आईज लैक्स फॉर अ सीनियर सिटीजन आई हैव अनादर प्रेजेंटेशन में वो हिसाब से भी आपको दिखाती हूँ देखो आई कैन राइट लाइक दिस जीरो परसेंट सो टैक्स कितना आएगा जीरो बराबर है क्या अब देखो आगे कहा से जाएंगे थ्री लैक्स टू फाइव लैक्स अब थ्री लैक्स और फाइव लैक्स के बीच में कितना इनकम कवर्ड है टू लैक्स टू लैक्स इस टू लैक्स टैक्स कितना फाइव परसेंट सो so, टू लैक्स का फाइव परसेंट कैलकुलेट करो लैडर 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 यू हैव टू स्टार्ट क्लाइंबिंग फ्रॉम जीरो जीरो बने हुआ है बना हुआ है पहला लैडर जम्प कहा है आपका बी एल उसके बाद नेक्स्ट जम्प कहा होता है फाइव लैक्स उसके बाद नेक्स्ट जम्प कहा होता है टेन लैक्स फिर उसके बाद अब टेन लैक्स ध्यान में आ रहा है क्या सबको पक्का यस yes. तो

तो कॉन्फिडेंस बढ़े बढ़ेगा गलत हुआ यू विल नेवर रिपीट दैट मिस्टेक अगेन आप जब खुद की गलती से सीखते हो ना एकदम क्लिक हो जाता है ओ मैंने ये गलती करी माने फायदा दोनों केस में है आप गलती करोगे तो वो गलती रिपीट नहीं होगी कभी भी आपसे और आप करेक्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा सबसे ज्यादा घाटा उसका है जो सॉल्व ही नहीं करेगा ट्राई ही नहीं करेगा वो कहीं पे भी पहुंच नहीं पाएगा समझ में आ रहा है क्या यस yes. तो आगे आई एन कितना है वन लैख टेन थाउज ठीक है अब आता है वेरी सीनियर अब नेक्स्ट पर्सन कौन है वेरी सीनियर वेरी सीनियर इज एट्टी इयर्स और अबाव सो लिखो इंडिविजुअल एट्टी इयर्स और अबाव तो फैन बंद करना वॉट इज ई कॉल्ड एज वेरी सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपर सीनियर क्या बोलते हो उसको सुपर सीनियर इनके लिए बी एल होता है फाइव लैक्स ओ माई गॉड अब मज जाए अब एक्सीडेंट स्पॉट है मतलब आप गलती कर सकते हो ट्राई मेकिंग द लैडर ट्राई मेकिंग द लैडर हैमर टाइम यस ऐसा ही होता है वॉट यूर राइट हाँ बट कृष्णा टेन लैक्स पर डिरेक्टली ट्वेंटी परसेंट नहीं निकालना है वैसा नहीं है लैडर नीचे से स्टार्ट करना है दैट इज आई एम सेइंग इट्स अ लैडर सिस्टम समझा क्या यस yes, हो गया लैडर बना क्या कुछ गड़बड़ है क्या जमा गया तुमको? बोलो कहां से कहाँ तक चढ़ेगा जीरो से स्टार्ट करोगे, जीरो से लेके कहां तक जाओगे अच्छा, 5 lakhs, इस पे कितना है पांच लाख तो से लेके पांच लाख तक टैक्स का रेट क्या होने वाला है जीरो परसेंट टैक्स का रेट क्या होने वाला है जीरो परसेंट अब ये जो जीरो परसेंट है आगे अब लैडर कहां से जाएगा फाइव लैक्स से टेन लैक्स तो फाइव और टेन का तो रेट फिक्स है ट्वेंटी मतलब इस केस में पांच परसेंट का रेट गायब हो गया पांच परसेंट का रेट गायब हो गया समझ में आया क्या लैडर कैसा है जीरो टू फाइव फाइव टू टेन बोलो मेरे साथ जीरो टू फाइव फाइव टू टेन फिर से बोलो जीरो टू फाइव फाइव टू टेन जीरो टू फाइव के लिए रेट क्या होगा जीरो परसेंट क्योंकि बीएल ही फाइव लैक्स वेरी सीनियर के लिए बीएल कितना है सीनियर के लिए बीएल कितना है नॉर्मल व्यक्ति के लिए बीएल कितना है अरे बाहर बहुत सी कंट्रीज में सीनियर सिटीजन को फ्री ट्रैवल फ्री मेडिकल हमारे यहाँ भी है रेलवेज में सीनियर सिटीजन को टिकट में ऑफ मिलता है एयरलाइंस में कभी कभी स्कीम हुआ तो ऑफ हो जाता है तो बाहर तो मेडिकल रहने का कभी कभी रेंट एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट वी कैन डू दैट एटलीस्ट थोड़ा सा तो टैक्स में बेनिफिट दे दो हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना है हम कर ही नहीं सकते और यू नो कल ही आपको परसेंटेज बताया 140 करोड़ में से हमने इनकम टैक्स साइड पे जाके देखा कितने लोग रिटर्न भर रहे सात करोड़ के आसपास लोग रिटर्न भर रहे हैं मतलब हार्डली सिक्स और सेवन परसेंट पीपल आर फाइलिंग द रिटर्न्स करेक्ट है क्या यस yes. तो ये देखो जीरो ट्वेंटी एंड अबाउ टेन हाँ तो इसका टैक्स निकाला क्या कितना आ रहा है? वन लैक दैट मीन्स यहां पे हम लिखेंगे एन टी आईस टेन लैक्स देन जीरो टू फाइव लैक्स जीरो टू फाइव लैक्स के बीच में कितना इनकम कवर्ड है फाइव लैक्स तो इस फाइव लैक्स पे टैक्स कितना आएगा जीरो परसेंट सो जीरो फाइव लैक्स टू टेन लैक्स के बीच में कितना इनकम कवर्ड है फाइव लैक्स इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा एंड दैट इज हाउ मच देखो टैक्स देखो एन टी आईज टेन लैक्स तो टैक्स कितना आ रहा है वन लैख करेक्ट दैट मीन्स कैन आई राइट डाउन समथिंग एज अ हेडलाइन वॉट इज दैट लिसन कैन आई से इंडिविजुअल बिलो कॉमन चीज है है। दो मिनट रुको और देखो पहले मुझे बताओ आप एक मिनट आप मुझे बताना आप बताना ये तुम डाउट्स नहीं पूछ रहे टैक्स कैलकुलेशन में इधर 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 डाउट है क्या देखो तो अरे किसी एक को कुछ तो डाउट होगा टैक्स कैलकुलेशन में डाउट नहीं आ रहा है? हाँ बोल फिर बेसिक एग्जाम हाँ उसने न्यूज़ में कुछ और सुना था वो बताऊंगी मैं हाँ बताऊंगी बताऊंगी ठीक है हाँ तो उसको डाउट आ रहा है कि मैम मैंने तो सुना था पाँच लाख तक कुछ टैक्स नहीं है या बेसिक एग्जामिशन पास हो गया है फिर साढ़े सात लाख है फिर ऐसा कुछ है बताऊंगी जो बता रही हूँ वो सही है फिलहाल फिलहाल ओके तो लेट्स लेट्स जस्ट फोकस कैलकुलेशन में जो मैं बता रही हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या ए प्रॉब्लम है क्या पक्का ओके okay, अब सुनना कैन आई से डोंट राइट डोंट राइट आई से डोंट राइट मीन्स हाँ फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शन नहीं तो तुमको गायब कर दूंगी समझा क्या यस yes. तो ये एन टी आई इंडिविजुअल 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 बिलो सिक्सटी इयर्स एन टी आई कॉमन है लेट सेफ एन टी आई इज हाउ मच टेन लैक्स एन टी आई कितना है टेन लैक्स अगर इंडिविजुअल का एन टी आई टेन लैक्स है और ये इंडिविजुअल इज बिलो सिक्सटी ईयर्स बिलो क्या सिक्सटी ईयर्स हाउ मच टैक्स विल ही पे चेक करो ना अरे टर्न योर पेजेस चेक ना अरे चेक करके बोलो ना वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो आई विल पे वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड इफ दिस इंडिविजुअल इज अ सीनियर सिटीजन सिक्सटी इयर्स और अबाव देन ऑन द सेम टेन लैक्स यू विल पे टैक्स ऑफ वन लैख टेन थाउजेंड कितना छूट मिला आपको दो हजार पांच बहुत ज्यादा हो गया दो हजार पांच ओके सो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड से आपका टैक्स कम हो गया बरोबर है का हाँ अब देखो इंडिविजुअल एट्टी इयर्स एंड अबाव वो कितना टैक्स देगा इसको थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिला नहीं ये वन लाख कितने लोग होंगे एट टी एन अबाव पता नहीं है गवर्नमेंट ने बराबर उधर फायदा दे दिया है कि नहीं यस सो एटीएन अबाव एंड अर्निंग इनकम ऑल्सो नाउ वॉट विल यू राइट विल यू राइट दिस एज योर हेडलाइन फर्स्ट किधर लिखोगे अच्छा मैम जरूरी हेडलाइन में लिखू मैं ना मेरे बुक्स में अलग कलर के पेन से लिखूंगा मुझे नहीं चलेगा आई वॉन्ट इट एज अ हेडलाइन मीन्स आई वॉन्ट इट एज अ हेडलाइन आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट My instructions are very clear. <clears throat> आई यू नंबरिंग योर नोटबुक पेजेस प्लीज नंबर योर नोटबुक पेजेस नेबर्स चेक सागर हो गया क्या लिख के ए लिखो ना जल्दी जल्दी छत्तीसगढ़ ग्रुप क्या हो रहा है क्या बात कर रहे हैं वो बहुत बोलती है वो सही बात है <laughs> ए, उसको परेशान मत करो रे हाँ हाँ ठीक है अच्छी बात है तो मत बोल फिर ठीक है, हाँ, ओके ऑल राइट हो गया तुम्हारे लिख के हो गया यहां तक ये हो गया ना पक्का ओके okay. अब सुनना लेट्स कैलकुलेट मैम एक्जैक्टली आपने टेन लैक्स लिया वॉट इफ अमाउंट इज ए लिटिल डिफरेंट हेयर एंड देयर तो क्या होने वाला है ठीक है अब इसके पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ ध्यान से सुनना आई यू ऑलरेडी फाइव मिनट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ब्रेकफास्ट ब्रेक break कितने बजे है नाइन फिफ्टीन ना नाइन हो गया है <laughs> नहीं ब्रेकफास्ट ब्रेक break क्या है <laughs> आपको कितने बजे चाहिए एट <laughs> थर्टी <830? laughs> तो वो तो हो गया फिर मिस हो गया अपना ब्रेक अभी तो नॉन स्टॉप करना पड़ेगा एट थर्टी तो बच गए ना नाइन चाहिए नाइन फिफ्टीन चाहिए Nine. Nine तुम थर्ड डे पहले नाइन फिफ्टीन नाइन थर्टी था फिर अभी नाइन ओ क्लॉक फिर एट थर्टी फिर आई डोंट नो क्या होने वाला है फिर सेवन थर्टी ओके अब सुनते सुनो टैक्स में दो अलग मैथर्ड से कैलकुलेट करने के ध्यान से सुनना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एम एक्सप्लेनिंग ओके ये जो टैक्स कैलकुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाएगा आपको बेसिक में से वो एक्ट कैसे बनता है वो बिल क्या होता है वो ऑर्डिनेंस ये जनरल नॉलेज है वी आर नॉट गू क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑन दिस पार्ट ठीक है बट प्रैक्टिकल पढ़ाई भी करनी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी करनी है सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्या तो भी चलेगा क्या एग्जाम में करना क्या वो भी तो आना चाहिए ना पास करोगे तो आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे आर्टिकलशिप में सब यही काम करोगे एज इट इज वट एवर आई एम टीचिंग यू आप ऐसे ही करोगे मैं आपको रिटर्न वगैरह सब दिखाऊंगी लेकिन पहले तुम उसके समझने के लायक तो बन जाओ पहले थोड़े और लेक्चर्स तो होने तो फिर मैं साइड पे से बहुत सी चीजें दिखाऊंगी आपको बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट ना है कि नहीं हाँ नाउ लिसन टैक्स कैलकुलेशन जो होता है बहुत ध्यान से सुनना टैक्स कैलकुलेशंस में वी हैव टू रेजीम्स रेजीम्स का मतलब है तरीका क्या है हमारे पास रेजिम बोला जाता है रेजिम मतलब मेथड रेजिम का मतलब क्या है मेथड अब ध्यान से सुनना वी हैव टू मेथड डिफॉल्ट मेथड मेथड डिफॉल्ट मेथड दिस डिफॉल्ट मेथड इज गिवन अंडर सेक्शन 115 बैक बी ए सी क्या है बी ए सी बैक हंड्रेड एक आपने अगर इंडेक्स में देखा होगा मेरा जो इंडेक्स है ओके okay, यहाँ पे जो इनिशियल पेजेस में देखो 115 सीरीज है यहाँ पे एक चैप्टर का नाम क्या है 115 सीरीज 115 में कितने सेक्शंस है 115 एंड फिफ्टीन बा बाब बैक बैड नॉट बाबा ब्लैकशिप नहीं 115 बा बाब बैक बैड ऐसे चार सेक्शन है फिर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी बी बीबी जे ऑल ऑफ दिसन दैट ओके वो नंबर ऑफ सेक्शन का तो इसलिए आपको बताती हूं और एक बात इनकम टैक्स एक्ट में टू नाइनटी एट सेक्शन है कितने सेक्शन है हाउ मेनी सेक्शन वी हैव

हैवी जाता है आपको इनिशियली इंटर के बाद जब आप पढ़ने के बाद यू शुड स्टार्ट रेफरिंग दी एक्ट आर्टिकलशिप करते वक्त आपको डाउट आता है कुछ देखना है तो आपने डायरेक्टली बेयर एक्ट यूज करना चाहिए ठीक है अब सुनना 298 नाइनटी एट सेक्शन आपके साथ स्कैम है आपकी लाइफ ही पूरी स्कैम yeah. है स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड फिर फाउंडेशन आपको हर बार बोला गया बस टेंथ का तो एग्जाम कर ले फिर कुछ नहीं है फिर ट्वेल्थ कर ले उस चक्कर में आप खुश रहना भूल जाते हो कि अरे बस टेंथ टें टेंथ ऐसे नहीं करने का बी हैप्पी बिकॉज सी ए आपको बोलेंगे ना बस सी ए हो गया तो बस आई एम स्टिल स्टडिंग एवरी ईयर एवरी ईयर द बजेट कम्स आई एम अपडेटिंग आई एम स्टडिंग सो यू हैव टू स्टडिंग इज नॉट गोन टू स्टॉप एंड अपडेशन इज नॉट गोन टू स्टॉप लर्न टू बी हैप्पी वट एवर इज द मोमेंट लर्न टू बी हैप्पी ये ऐसी छोटी बातें झिक 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 उधर नहीं करने का क्या समझा क्या वी हैव बेटर थिंग्स टू डू हमें आईसीआई से लड़ना है आपस में नहीं लड़ना है ठीक है क्या क्या बोलता है मंडे को अब सुनना सेक्शंस कितने हैं टू नाइन्टी एट बट दिस इज अ स्कैम एक्चुअली सेक्शन है सिक्स फिफ्टी प्लस अरे बाप रे 650 प्लस सेक्शन है कैसा ये 115 को काउंट करते वक्त वो एक इंच काउंट करते हैं 115 में दस से, सब सेक्शन है हंड्रेड एंड फिफ्टीन बा बाब बैक बैड बे कॉनर है बेवा वी हैव 115 में ही और भी 115 एंड फिफ्टीन बीबी हंड्रेड एंड फिफ्टीन बीबीई हंड्रेड एंड फिफ्टीन जे तो ये सब काउंट होते वक्त कितना काउंट होने वाला है स्टार्ट हो रहे डिडक्शंस से ए टी यू ए टी सी 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 ट्रिपल सी 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 डी सी सीई एटीडी डबल डी 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 बी बी ये क्या है इतने सारे एबीसीडी यस सो वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स एंड लर्निंग सो वेट एंड रिलैक्स इट दैट एटी विल बी काउंटेड एट ओनली वन सेक्शन बट इट इज इट हैज मेनी मेनी एटीसी से लेके एटी यू तक जाने का अपने को तो so एक्चुअली एक्ट में आप देखोगे तो आखिरी में क्या सेक्शन नंबर आखिरी वाला कौन सा है 298 तो आपको लगेगा 298 नाइनटी एट सेक्शन है धोखा ही आपके साथ कितने सेक्शन है 650 प्लस समझ में आया क्या हाँ अब ध्यान से सुनना मैं आपको बता रही हूं टैक्स के रेजिम आपको क्या बता रही हूं टैक्स के रेजिम बता रही हूं एक है डिफॉल्ट मेथड 115 बैक डिफॉल्ट मेथड दूसरा मेथड है ऑप्शनल मेथड दूसरा मेथड कौन सा है बेटा ऑप्शनल मेथड अब डिफॉल्ट और ऑप्शनल मेथड में मैम फर्क क्या है सुन के लो ये जो डिफॉल्ट मेथड है इसको डिफॉल्ट नाम इसलिए दिया है ये न्यू रेजिम है ये क्या है ये न्यू में। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है ये ओल्ड रेजिम है ये बहुत टाइम से यही मेथड है बैक अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही आया है ठीक है आपके पास ये ऑप्शन है दोनों के बीच में और है आई आई गो एज पर डिफॉल्ट मेथड और आई गो एज पर द ऑप्शनल मेथड डिफॉल्ट को डिफॉल्ट इसलिए बोला गया है कि वहां पे कंसेशनल टैक्स रेट है कौन से टैक्स रेट्स है कंसेशनल टैक्स रेट है मतलब टैक्स रेट्स थोड़े से कम है कंसेशनल टैक्स रेट है क्या है कंसेशनल टैक्स रेट से तो सबको लगता है कंसेशनल टैक्स रेट से तो सब कुछ यही लेगा इसीलिए इसका नाम रख दिया डिफॉल्ट डिफॉल्ट नाम क्यों है तुम कंसेशन चाहोगे या ज्यादा टैक्स रेट चाहोगे कंसेशन तो कंसेशनल टैक्स रेट तो मैम ऑप्शन दिया ही क्यों है सबको ही कंसेशनल लेगा अरे हर चीज में स्कैम है धोखा <laughs> है अब यहां क्या है सुन के लो कंसेशनल टैक्स रेट्स में गवर्नमेंट बोलती है एक हाथ से लो और दो हाथ से सब कुछ सब कुछ दे दो अब गवर्नमेंट बोलेगी आपके जो कुछ बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं क्या दिए जा रहे बेनिफिट्स यू हैव टू सैक्रिफाइस देम सो इन द कंसेशनल मेथर्स इज अ कंसेशनल टैक्स रेट बट यू हैव टू फोर गो फोर गो का मतलब क्या होता है सैक्रिफाइस फोरगो का मतलब क्या होता है सैक्रिफाइस यू हैव टू फोर गो बेनिफिट्स एंड इन द ओल्ड रेजीम यू हैव नॉर्मल टैक्स रेट मतलब कोई कंसेशन नहीं है नॉर्मल टैक्स रेट्स रहेंगे नो कंसेशन एंड यहां पर नो सेक्रीफाइसिसम्पल पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड देखो चमेली कहां पे काम कर रही है Infosys. हाँ एक दिन मिलाऊंगी तुमको चमेली से ठीक है चमेली इज वर्किंग वेयर विथ इन्फोसिस बेटा वॉट सैलरी इज हाउ मच क्यू रे क्यू रे टेन लैक्स कितना सैलरी है उसका फिफ्टी लैक्स ठीक है चमेली का सैलरी कितना है फिफ्टी लैक्स बराबर उसको बैंक में से एफ डी इंटरेस्ट भी मिला तो अब उसका जी टी आई कितना हो गया बरोबर है -बर का उसने ए टी सी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदने पे आप जो भी प्रीमियम पे करते हो गवर्नमेंट उसको आप क्या देती है आपको एटीसी का डिडक्शन डिडक्शन मतलब कुछ बेनिफिट यार ये डिडक्शन जो है ना वो जीटीआई से माइनस करते जीटीआई से माइनस किया तो इनकम कम हो जाता है कम इनकम पे टैक्स भी कम हो जाता है इसलिए टैक्स इज ऑन एनटीआई इट इज नॉट ऑन जीटीआई बरोबर का अब देखो एल प्रीमियम उसने एक लाख पे किया अब उसका एन कितना हुआ फिफ्टी वन लैक्स अब फिफ्टी वन लैक्स का एन हुआ शी विल पे टैक्स ऑन शी विल पे टैक्स ऑन फिफ्टी वन लैक्स शी विल यूज हर द नॉर्मल टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स रेट अब गवर्नमेंट बोलती है यही अगर चमेली को बैंक ऑप्ट करना है चमेली बोलते नॉर्मल क्यों? मैंने तो सुना है ना वो कंसेशन है टैक्स के रेट ये नहीं है कम है टैक्स का रेट तो तुमने वो आधा ही सुना है चमेली उधर तुझे बेनिफिट दिस भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अब चमेली का सैलरी यहां पे हम लेंगे फिफ्टी लैक्स इंटरेस्ट लेंगे टू लैक्स जी आएगा चैप्टर सिक्स से नॉट अवेलेबल सेक्रीफाइस कर दो ए को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ऐसा किधर बोला है हंड्रेड एंड फिफ्टीन बैग के सेक्शन में लिखा हुआ है नाउ हर एन टी आई विल बी फिफ्टी टू लैक्स एंड नाउ इन दिस बैक यू विल कैलकुलेट टैक्स ऑन फिफ्टी टू लैक्स यू कैन यूज कंसेशनल रेट तो हर बार कंसेशनल रेट वाला टैक्स कम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है अब मैं जो है पहले आपको बैक पढ़ा ही नहीं सकती क्योंकि आपने बेनिफिट सीखे ही नहीं है तो क्या सैक्रिफाइस करना है वो डे वन में कैसे बताऊंगी बैक जो है आपके मॉड्यूल्स में मेंशन किया हुआ है चैप्टर वन में लेकिन उसका सॉल्विंग और उसका सब कुछ वर्किंग किया जाता है लास्ट चैप्टर में मैं ऑफ कोर्स लास्ट तक नहीं रखूंगी कहीं बीच में हम बैक करेंगे बैक के रेट्स थोड़े से कंसेशनल है बट कंडीशंस अप्लाई

टैक्स निकालना है बिकॉज चैप्टर सिक्स से उसको करना पड़ा सैक्रीफाइस तो चमेली को दोनों वर्किंग करनी पड़ेगी चमेली के सीए को आपको करना पड़ेगा दोनों वर्किंग करना पड़ेगा फिर आपको चमेली को सजेस्ट करना पड़ेगा कि तू बैक के अंडर टैक्स पे कर या तू नॉर्मल में टैक्स पे कर कहा बैक इज कंसेशनल टैक्स रेट चलो बोलो व्हाट इज बैक कंसेशनल टैक्स रेट बट यू हैव टू फोर सम सेक्रीफाइस टू फोगो सम बेनिफिट एंड नॉर्मल में नॉर्मल रेट टैक्स है और उधर सैक्रीफाइस भी करना नहीं है कभी कभी किसी को नॉर्मल बेटर होगा कभी कभी बैक बेटर होगा मैम फिर हर बार दोनों वर्किंग करना पड़ेगा हाँ तुम्हें कहाँ करना है सॉफ्टवेयर करेगा क्लाइंट से फी ले लेना ज्यादा थोड़ा हा न वर्किंग कौन करेगा सॉफ्टवेयर करेगा फिर मैम हम काई को सीख रहे <laughs> सीए बनना है ना, एग्जाम पास करना है ना इसलिए सीख रहे सॉफ्टवेयर में कैसे गलती करते हैं ना आर्टिकल्स में बताऊंगी आपको थोड़ा आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सॉफ्टवेयर है फिर भी हमें सीखना है अगले चैप्टर में बताऊंगी भयंकर कैसी गलती करते हैं बच्चे जब आर्टिकल की बातें करने लगते हैं उनको लगता है भारी अपन ने टैक्स पढ़ लिया तो बहुत भारी समझा क्या यस yes. ये पहले लिख के लो गाना सुनते सुनते लिखना है क्या ए तू चुप बैठ रे कौन रे? तू छे सिर्फ तू छे वो और तूने अभी देखा प्लेलिस्ट बदला क्या उसने वेरी गुड देख वो दीदी को गाना पसंद आना चाहिए उसने ना बोल दिया पहले ही वो बोले गाना लगाओ ही मत नहीं नहीं तू लगा ले <laughs> तुम जल्दी लिखो ना थोड़ा क्या हो गया बोलो डाउट है तो हम हर साल मेथड चेंज कर सकते क्या अच्छा कंसेशनल मतलब कम रेट कौन है ये कंसेशनल मतलब कम रेट और क्या हम हर साल टैक्स रेट चेंज कर सकते क्या सैलरीड पीपल कैन बिजनेस मैन नॉट सैलरीड पीपल कैन बिजनेस मैन कैनॉट आज मुद्दा बैक का नहीं है थैंक यू कृष्णा

कम कर थोड़ा आवाज कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए मैम आई एम इन क्लास प्ले अर्पित सॉन्ग महारानी कौन है आई एम इन क्लास कौन इधर रिक्वेस्ट भेज रहा है रवी आन्थ, रवी आन्थ कौन है रे रविंत रवि सिंह कौन है रे महारानी सॉन्ग प्ले किसको करने का? हो गया लिख के स्क्रोल करू क्या वॉट मैम इतना टाइम तो तो लगा रहे तुम्हें देखो मेरी जो है बस गया वो है मिलता तुमसे oh, वो मैं नहीं आई एम गोइंग टू स्टैंड तू वहां से देख के लिख मुझे कुछ बोलने का नहीं है मेरी क्लास हुए तुम जो दिल की करोदा वहाँ से देख के, लिखा। तुम पास हो के भी, भी थोड़ा जल्दी लिखो ना आस हो के भी अपने नहीं ऐसे हम को गिले वॉट मैम न जाने क्यों मिलो के है फासले न जाने क्यों नोटबुक एकदम नीट एंड क्लीन जानेड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तू जाने तू जाने क्या हो गया क्या बोलते जाने हाँ पहले पहले बोलना था कौन है, है? दिखा दे रही नोटबुक कुछ लेट नहीं हो गया पूरा स्टार्टिंग से दस बार लिखने को लगाऊंगी डन फिनिश गाना सुन के नहीं लिख के हो गया क्या पूछ रही हूँ हो गया ना लिख के वॉट नो मैम रिटायरमेंट पेंशन इज ऑल्सो टैक्स देखो तुम चलो स्टॉप द सॉन्ग मैंने स्टॉप द सॉन्ग बोला तो स्टॉप द सॉन्ग एग्जैक्टली थैंक यू बेटा यस ये स्टिल राइटिंग थिंग हाँ क्या क्या एक्ट बोल रहे हैं हंड्रेड एंड फिफ्टीन बैक में हमने बोला सी टेल यू बैक का लॉजिक क्या था थोड़ा आगे जाएंगे तो समझेगा अभी सही बात नहीं है थोड़ा सा बताऊंगी बैक का लॉजिक क्या है एक तरफ गवर्नमेंट बोलते हैं हम तुमको बहुत सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं और टैक्स के रेट ज्यादा है एक काम करते तुम बेनिफिट्स लो ही मत हम टैक्स के रेट्स कम कर देंगे हम टैक्स के रेट्स क्या कर देंगे कम मतलब ये फिर क्या लॉजिक हो गया एक तरफ बेनिफिट्स दिए जा रहे हो और टैक्स के रेट्स बढ़ा रहे हो तो उससे अच्छा एक काम कर लेते हैं बेनिफिट दो ही मत टैक्स के रेट्स कम कर दो दैट इज द लॉजिक सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट बैक की तरफ हम मूव कर रहे हैं बैक में बहुत ज्यादा बेनिफिट है इतने बेनिफिट दिए जा रही है गवर्नमेंट कि धीरे धीरे एवरीबडी विल शिफ्ट टू बैक एंड शायद ये ऑप्शनल मेथड जो है वो चला भी जाए वी नेवर नो सो राइट नाउ बोथ द ऑप्शन आर अवेलेबल बोथ बोध ऑप्शन अब ध्यान से सुनना तो मैम आपने अभी हमें जो स्लैब्स पढ़ा है मैंने अभी स्लैब्स पढ़ाए ना स्लैब्स मतलब टैक्स के रेट्स को हम क्या बोलते हैं टैक्स स्लैब बोलते हैं स्लैब क्यों बोलते हैं बिकॉज टू का एक स्लैब है टू फिफ्टी टू फाइव लैक्स का एक स्लैब है फाइव टू टेन लैक्स का एक स्लैब है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं टैक्स के स्लैब्स बोलते हैं अब मैंने जो स्लैब्स पढ़ा है पढ़ाएसली मैंने ये मेथड के पढ़ा है ऑप्शनल मेथड के क्यों बैक तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं सकती अभी क्योंकि मैंने बैक पढ़ाने के लिए कोई बेनिफिट्स पढ़ा है क्या तुमको बेनिफिट्स ही पढ़ाए नहीं तो उसके सेक्रीफाइस कैसे पढ़ाऊंगी तो बैक का मेथड मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी अभी जो टैक्स कैलकुलेशन पढ़ाऊंगी वो कौन सा पढ़ा रही हूँ ऑप्शनल पहले ऑप्शनल पूरा अच्छे से समझ के लेंगे उसके बाद बैक करेंगे बेटा एज ए टीचर आई नो व्हाट कॉन्सेप्ट हैज टू बी टॉट व्हेन ऐसा नहीं है कि मैम उसको मेंशन इधर ही चैप्टर वन में किया तो आप इधर ही सिखाओ नहीं मुझे पता है कि अगर ये मैं थोड़े दिनों के बाद पढ़ाऊंगी तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होगा आई वॉन्ट यू टू लाइक द सब्जेक्ट आई डोंट वॉन्ट यू टू से माई ये क्या है इधर बैक है इधर ये है ध्यान में नहीं आ रहा है मैकेनिकली नहीं पढ़ाना मुझे अभी मेरे को लिस्ट याद है कि क्या क्या सेक्रीफाइसिज है पर तुमको पता ही नहीं वो बेनिफिट्स क्या है तो मैं क्यों दू आपको वो लिस्ट क्यों परेशान करूं मैं आपको फर्स्ट टाइम कैसे टैक्स पढ़ाना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आई नो इन व्हाट सीक्वेंस आई वॉन्ट टू टीच एंड वो उससे आपको ही फायदा होगा ठीक है क्या यस yes. तो अभी सुन के लेना मैंने जो स्लैब्स पढ़ाए वो कौन से मेथड में पढ़ाया आपको ऑप्शनल हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं ऑप्शनल वी आर लर्निंग विच मेथड राइट ना ऑप्शनल मतलब सीधा स्ट्रेट है वो उधर कुछ सैक्रिफाइजेस नहीं है नॉर्मल एनटीआर जैसे निकलता निकलेगा और जैसे टैक्स नॉर्मली कैलकुलेट होता है वैसे कैलकुलेट होगा सही है क्या यस। ओके। यू वॉन्ट अ ब्रेकफास्ट ब्रेक और शुड आई गो अड अभी भूख लग रही है पक्का तो टेन मिनट्स का टाइमर लगाओगे क्या कैन यू गेट आर यू अलाउड टू गेट यूर ब्रेकफास्ट इन साइड

उन हाँ ठीक है ओके ओके स्टार्टिंग अगेन डोंट वरी नथिंग आई हैव सेड डोंट वरी तू ब्रेक मध्य आवाज बंद ठीक है हाँ लेट अंडरस्टैंड आई वाज़ टेलिंग यू अब जो मैं टैक्स के कैलकुलेशन कर रही हूँ अब मैं कौन से टैक्स के क्या कर रही हूँ कैलकुलेशन मैं आपको कौन से वाले मेथड सिखा रही हूँ ऑप्शनल कौन सा मेथड सिखा रही हो ऑप्शनल चलो बोलो टैक्स में कितने मेथड्स है ए, दो एक है बैक और एक है ऑप्शनल चलो बोलो टैक्स में कितने मेथड्स है दो एक है बैक और एक है ऑप्शनल बैक में हमारे साथ धोखा हुआ, हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है लेकिन टैक्स के रेट कम है और आपको कंसेशन और कुछ बेनिफिट्स आपको करने पड़ेंगे सैक्रिफाइस अब बेनिफिट्स ही सीखें नहीं तो बैक कैसे सिखा दूंगी अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा अब हम कौन से मेथड सीखेंगे ऑप्शनल तो अगर कोई बोले कि अरे ऐसा है बैक में तो बोलो हाँ हमको पता है बैक है लेकिन हम उसको थोड़े टाइम बाद सीखने वाले समझ में आता है क्या अब सुनना पहले अभी ऑप्शनल मेथड ऑप्शनल मेथड में मैंने स्टार्ट किया था रेडी चलो 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 गेट इन गेट इन स्ट्रेट स्पाइन कार्ड स्ट्रेट आई कॉन्टेक्ट विथ योर टीचर रेडी एवरीबडी यस और आपको भूख लगती है तो आप बीच बीच में अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आप खा सकते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज फार एज यू डोंट डिस्टर्ब मी डोंट डिस्टर्ब अदर्स एंड बी केयरफुल कि कुछ गिराते नहीं हो तो आई एम ऑल ओके विद इट एंड वट एवर रिमेन्स योर कप्स और दीज जो भी है प्लेट्स है आप उसको बाहर डस्टबिन में बाद में फेंक देना उतना तो हम कर ही सकते हैं ना सी एस स्टूडेंट्स है इतना तो हम कर ही सकते वी आर नॉट गोइंग टू थ्रो थिंग्स यर इन द क्लास रूम बराबर है ना यस ओके अब कुछ मीठा बीच में अगर आप खाते हो अभी यहाँ पे धीरे धीरे आपने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी डाल देनी चाहिए फ्रूट्स आर अवेलेबल यू कैन कैरी फ्रूट्स यू कैन कैरी ड्राई फ्रूट्स इन बिटवीन थोड़ा बीच में जब लेक्चर कंटिन्यूस चलते बीच में आपने कुछ थोड़ा खा लिया एक आधा बिस्किट मीठा कुछ खा लिया इमिजिएटली माइंड क्या हो जाता है रिफ्रेश हो जाता है इट हेल्प्स स्टडी के टाइम यू नीड समथिंग टू ईट तो डोंट ट्राई एंड ईट वॉट मैगी एक आध बार खाया तो ठीक है चिप्स वगैरह आप लेके आते हो कुछ दिनों के बाद फिर बच्चे दिखते हैं ब्रेक में गए तो कुरकुरे चिप्स के पैकेट सब लेके आते हैं फिर ये एक आध बार कभी खाया तो ठीक है ठीक है ना बिकॉज यू कैन अफोर्ड टू फॉल सिक आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ईट फ्रूट्स फ्रूट्स तो आप कैरी कर सकते हो राइट सो यू कैन कैरी सम फ्रूट्स यू कैन कैरी सम ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो कैन यू डू दैट यस ओके अब हम सीखेंगे ऑप्शनल क्या हो गया <laughs> सागर भक्त ने कहा है कह तो उधर और यू हैव टू गो एंड हेल्प योर सेल्फ ऑल्सो बिंदर्स ओ फैन ए सी वेसी उसके लिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करने का थिंग्स आर देयर सागर इज देयर स्टाफ इज देयर यू शुड टेल देम ओके okay है ना हाँ अब क्या होता है कुछ बच्चों को ए चाहिए कुछ बच्चों को नहीं चाहिए तो वो स्टाफ भी बेचारे परेशान हो जाते हैं कभी कोई बच्चा बोलता है बहुत ठंडा हो गया है कभी कोई बोलता है गर्मी हो रही है तो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट टेंडेंसी करेक्ट है यस yes. चलो अब मैं स्टार्ट करूं यस yes, खुशी मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया होपफुली तुमने भी ब्रेकफास्ट खा लिया होगा है ना तुम लोग तो घर पे बैठ के मस्त मजे में खाते है ये लोग है ना लेट के तुम लोग ऑनलाइन करते थे तो वैसे करते थे क्या कैसे लेक्चर देखते थे लेट लेट के आराम से सो के और फिर कभी कभी और कभी कभी क्या क्या फिर लेक्चर सुनना ही नहीं और फिर नींद लग जाती है आपको नो नो दैट्स वेरी डेंजरस चलो लेट स्टार्ट रेडी straight, straight, spine contact contact with 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 your your teacher teacher. and I contact with nobody else, only with your teacher. Is that clear? Yes. Okay, let's start. Come on. अब सुनते आगे. मैंने आपको लेडर सिस्टम सिखाया जीरो टू टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू फाइव फाइव टू टेन ये नॉर्मल वाला है ये ऑप्शनल बैक वाला मैंने सिखाया नहीं ये ऑप्शनल वाला है ठीक है अब हम करते कुछ और चीजें समझेंगे यहाँ पे अब आपको ये समझना है असेसी पर्सन जो होता है पर्सन पर्सन जो होता है कैन बी अ इंडिविजुअल कैन बी एच यू एफ कैन बी अ फर्म एल एल पी है दे कैन बी ए पी बी ओ आई ये क्या होता है ये नहीं पढ़ाया मैंने दे कैन बी अ कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और एक लोकल अथॉरिटी होता है ये सब अभी तक मुझे पढ़ाना है आपको ये थ्योरी वाला पार्ट जो मैंने बोला था ना आज बीच में करूंगी लेकिन थोड़ी देर से आपको बताऊंगी अब ये सुनना कि असि जो है ये जो पर्सन जो है आप फैमिली बिजनेस कर सकते हो एच के फॉर्म में आप एल बना सकते हो अंडर द एल एल पी एक्ट टू थाउजेंड एक्ट आप पढ़ने वाले हो पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़ चुके हो पढ़ चुके हो ना पार्टनरशिप एक्ट हो गया ना फाउंडेशन में था क्या हाँ, तो पार्टनरशिप एक्ट हो गया है तो पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू उसके अंडर आप एक फर्म बना सकते हो दो लोग मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 थर्टीन बराबर है तो एनी ऑफ दीज थिंग्स एजेपी लाइक अ आर्टिफिशियल पर्सन बताऊंगी लोकल अथॉरिटी क्या होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह ठीक है आप जब जेवी फॉर्म करते हो जॉइंट वेंचर तो एओपी के कैटेगरी में आ जाते हो तो इंडिविजुअल होता है एच होता है एच क्या करता है फैमिली बिजनेस ग्रैंड के कपड़े की दुकान है सन इज सिटिंग देयर दो भाई मिलके दुकान संभाल रहे हैं उनके बच्चे आगे उनका नेक्स्ट जनरेशन दे आर हैंडलिंग दैट बिजनेस दिस इज कॉल्ड एज फैमिली बिजनेस एंड एच को एक अलग पर्सन माना जाता है वो अलग आईटीआर फाइल करता है ओके फर्म इज अ सेपरेट पर्सन फॉर इनकम टैक्स फर्म इज अ सेपरेट पर्सन फॉर इनकम टैक्स आपने पार्टनरशिप एक्ट में सीखा होगा कि फर्म इज डज नॉट इज नॉट अ लीगल पर्सन वो कहा है पार्टनरशिप एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट बोलता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है हमारे यहाँ फर्म भी एक पर्सन है फर्म को भी रिटर्न भरना पड़ेगा कंपनी को रिटर्न भरना पड़ेगा एच को रिटर्न भरना पड़ेगा एच यू एफ के लिए उसके रिटर्न का काम कौन करेगा करता करेगा फर्म के लिए कौन करेगा पार्टनर करेगा तो अलग अलग लोगों के टैक्स रेट्स पढ़ाने वाली हूँ अलग अलग लोगों के टैक्स रेट्स पढ़ाने वाली हूँ बराबर है हाँ अब पहले टैक्स हो गया हमारा अब बहुत ध्यान से सुनना मान के चलो इफ समर्सन एन टी आई अब मैं आपको पहले किसके पे फोकस कर रही हूँ इंडिविजुअल अब मैं किस पे फोकस कर रही हूँ आपको इंडिविजुअल है ना तो अब देखो इंडिविजुअल के, के केस में लेट्स से इंडिविजुअल के केस में लेट्स एन टी आई ऑफ मुकुल यहां पे मुकुल है आई एम ईटिंग टमाटर आफ्टर लिसनिंग टू वॉट इज टमाटर एन टी आई ऑफ इज सेवन लैख एटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड व्हेन नथिंग इज गिवन हिज एज इज ऑब्वियसली टेकन एज बिलो सिक्सटी ऐसे किसी को सीनियर और वेरी सीनियर नहीं बना देने का एज नहीं दिया है तो बिलो सिक्सटी ये रूल है एज नहीं दिया है एग्जाम में तो बिलो सिक्सटी क्लाइंट को मैं एज पूछ सकती हूँ आप आईसीआई को कॉल करके पूछ नहीं सकते समझ में आ रहा क्या कि क्वेश्चन में एज नहीं दिया है, तो आप क्या करने का है रियल लाइफ में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि आई कैन जस्ट पिकअप एंड टॉक टू माई क्लाइंट यहां एंट्री ऑफ मुकुल सेवन लैक एटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड कुछ नहीं दिया मतलब

और ये सबके ग्रुप जल्दी बन जाएंगे जस्ट रिलैक्स अभी तक यूट्यूब पे है ये सब काम होते हैं हर बैच में हो जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप आपका टैक्स के लिए अलग बनेगा हर सब्जेक्ट के लिए अलग बनेगा फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग का एक बनेगा पी का एक बनेगा ठीक है अब सुनो लिखा क्या आपने ना ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द राइट हैंड साइड जहां पे मैंने स्पेस छोड़ा हियर विल डू द टैक्स वर्किंग सेवन एटी टू सिक्स हंड्रेड ना कैसे स्टार्ट होगा पहले जीरो टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड मेरे साथ लिखो चलो जीरो टू टू फिफ्टी के बीच में कितना इनकम कवर्ड है टू फिफ्टी इस टू फिफ्टी पे टैक्स का रेट कितना आएगा जीरो परसेंटो टैक्स विल बी जीरो बरोबर है 0%. बरुबरे का टू फिफ्टी हाँ, से आगे कहां तक जम करना है फाइव लैक्स कितना इनकम कवर्ड है इसके बीच में टू फिफ्टी टू लैख फिफ्टी पे टैक्स का रेट कितना है फाइव परसेंट सो दैट इज हाउ मच ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब अगला जम कहाँ से करना है फाइव लैक्स से दस लाख तक नहीं जाना अरे मेरा इनकम ही सेवन एटी टू सिक्स हंड्रेड है तो उधर तक ही जाएंगे जितना कमाऊंगी उतना ही टैक्स दूंगी ना और आई विल ऑन सेवन एटी टू एंड आई विल पे टैक्स ऑन टेन लैक्स को आई वर्न ओनली सेवन एटी टू तो आई विल गो सेवन अप एटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हाउ मच इनकम टू लैख एटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू एटी टू सिक्स हंड्रेड पे टैक्स का रेट कितना आएगा ट्वेंटी परसेंट सो दैट सिक्स थाउजेंड फाइव ट्वेंटी दे फोर टोटल टैक्स विल बी सिक्सटी सिक्सटी नाइन जीरो ट्वेंटी आर यू ऑल गेटिंग इट समझ में आ रहा है क्या मैनेजेबल yeah. है क्या ये yes. तुम डाउट पूछो तो टैक्स कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछो प्लीज एनी बडी हैविंग एनी डाउट डोंट गेट्स केयर टू आर डाउट लाइव स्ट्रीमिंग एनी बडी हैविंग एनी डाउट बेटा ओके okay. अब यहां पर लिखेंगे टैक्स अब टैक्स के बाद आएगा यहां पे लिखेंगे सिक्सटी नाइन जीरो टू जीरो ठीक है अब हेडलाइंस में आप लिखना हेडलाइंस हेडलाइंस क्या है टॉप रेड मार्जिन लिखो सरचार्ज इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल इफ एनटीआई एक्सीड्स फिफ्टी लैक्स लिखो सरचार्ज इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल ऑपरेट मार्जिन इफ सर सर चार्ज इज एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल इफ एनटीआई एक्सीड्स इफ वॉट इफ एनटीआई एक्सीड्स फिफ्टी लैक्स इफ एनटीआई एक्सीड्स फिफ्टी लैक्स ध्यान में आ गया क्या एन टी एक्सीड करता है फिफ्टी लाख यहाँ क्या इस व्यक्ति का इनकम पचास लाख के ऊपर है क्या नहीं मुकुल ने कितने पैसे कमाए सेवन लैख एटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो मुकुल को टैक्स देना पड़ेगा सिक्सटी नाइन जीरो ट्वेंटी उसको सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा सरचार्ज के बाद का अगला वाला टैक्स कौन सा है फोर परसेंट एच ई सी ध्यान से सुनना ये सबको देना पड़ता है इट इज ऑलवेज इट्स एन एडिशनल टैक्स ये टैक्स के अमाउंट पे कैलकुलेट होता है इसका रेट होता है फोर परसेंट मैम फोर परसेंट फिक्स है हाँ एक्ट ने बताया सरचार्ज का रेट एक्ट ने बताया एच ई सी का रेट एक्ट ने टैक्स का कैलकुलेशन सब एक्ट ने दिया है तो एच ई सी का रेट होता है फोर परसेंट से सुनना वेट एंड अंडरस्टैंड फोर परसेंट एच ई सी यू मस्ट राइट दैट फोर परसेंट इज ऑन सिक्सटी नाइन जीरो ट्वेंटी इट इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्स सर चार्जेस कैलकुलेटेड ऑन द सॉरी सेस इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स बराबर है क्या तो कैलकुलो कैलकुलेट 4% ऑफ 69020 राउंड ऑफ कर दो 2761 61 सो टैक्स लायबिलिटी नाउ व्हाट इज दिस सेस कलेक्टेड व्हा व्हाट इज द फुल फॉर्म आई विल एक्सप्लेन इट फर्स्ट लेट मी जस्ट कैलकुलेटेड Is it coming to 71, 781? देखो 71, 000, 781 आ रहा है क्या यस yes. इसको क्या करना पड़ेगा राउंड ऑफ करना पड़ता है अब ध्यान से सुनना फाइनल टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करना पड़ता है फाइनल टैक्स लाइबिलिटी पहले ना डिजिटल पेमेंट नहीं था पहले आप बैंक में चेक लाके लेके जाते या कैश लेके जाते वो क्या ही फिर वन रुपी और क्या ही फिर कैसे देने का तो गवर्नमेंट ने बोल दिया टैक्स लाइबिलिटी को क्या कर दो राउंड ऑफ कर दो टू नियरेस्ट टेन टैक्स राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेन चलो रिपीट करो तीन बार टैक्स लाइबिलिटी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेन रिपीट अगेन टैक्स लाइबिलिटी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेन अंडर देर अ सेक्शन फॉर दैट सो आई से आर ओ का मतलब क्या है राउंडेड ऑफ राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288 बी लिखो राउंडिंग ऑफ इज अंडर सेक्शन 288 बी आई राउंडेड एस इट ऑफ़ थाउजेंड 71,780। तो गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा 71,780 रुपीस। राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288 बी अच्छा मैम यहां इस टैक्स को राउंड ऑफ करना है क्या नहीं यहां राउंड ऑफ करना है क्या नहीं यहां राउंड ऑफ करना है क्या नहीं राउंडिंग ऑफ कहाँ होगा आखिरी में टैक्स लाइबिलिटी को नियरेस्ट टेन नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ नियरेस्ट टेन लेटस अंडरस्टैंड ओके सो लेटस राइट अडलाइन ना इस पेज पे ऑलरेडी पे हेडलाइन आ गया है। तो अगले पेज पे लिखो बैकवर्ड पेज पे जाओ क्योंकि सारे हेडलाइंस आपको लर्न करने हैं और मैं अगले वीक उस पर ओरली टेस्ट लेने वाली हूँ बराबर है यस अब हेडलाइन एच सी सी के बारे में बताना है पहले राउंडिंग ऑफ के बारे में लिखते हैं ठीक है रेडी है क्या तुम सबसे पहले एन को भी राउंड ऑफ करते हैं हमारे केस में ऑलरेडी एन टी आई राउंडेड ऑफ था ओके नाउ लिसिन फर्स आइल राइट डाउन लिसन एन टी आई इज राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288 एटी एट ए टू नियरेस्ट टेन एंड टैक्स लाइबिलिटी इज राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन टू एटी एट बी टू नियरेस्ट टेन नीव यू एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल इफ यूर टैक्स लाइबिलिटी इज थर्टी टू थाउजेंड फोर एटी टू तो आपको कितना देना पड़ेगा नियरेस्ट टेन नियरेस्ट टेन मतलब थर्टी टू थाउजेंड फोर एटी ओके मैम इट इज थर्टी टू थाउजेंड फोर एट्टी सेवन एट्टी सेवन इज क्लोजर टू नाइनटी उसके नियरेस्ट टेन पे जाना है क्या करना है आपको नियरेस्ट टेन पे जाना एट्टी सेवन इज क्लोज टू एट्टी और इज इट क्लोज टू नाइनटी नाइनटी झेपता है ना तो इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा इट वि थर्टी टू थाउजेंड फोर और अब थर्टी टू थाउजेंड फोर एटी वन आया तो क्या करोगे थर्टी टू फोर एटी अब आता है थर्टी टू फोर एटी फाइव ये एग्जैक्टली exactly बीच में है तो एक्ट ने बोला है फोर नाइंटी तो ये हो गया आपका राउंडिंग ऑफ लिखा क्या आपने लिखा क्या अभी लिखने का है क्या हो गया लिख के राउंडिंग ऑफ करना जरूरी है ऑब्वियसली जरूरी है एक्ट में जो जो बोला है वो सब फॉलो करना कंपलसरी है आगे गया यहां तक आगे गया यहां तक? तक ए आगे नहीं यहां तक ओके okay. नाव इसी पेज पे यहाँ पे हमने जो लिखा है यहां पे हम लोग नोट कर लेंगे नोटबुक पे अभी सुनो एच के बारे में एच का रेट कितना है फोर परसेंट एच ई सी कैसे एच ई सी का फुल फॉर्म है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सेस का मतलब होता है टैक्स क्या ना मैम पहले टैक्स भी लेंगे फिर सरचार्ज भी लेंगे फिर सेस भी लेंगे बस इनकम टैक्स है ऐसा ही होता है टैक्स भी लेंगे सरचार्ज भी लेंगे और सेस भी लेंगे और फिर आएगा फाइनली आपका टैक्स लाइबिलिटी झेपता है क्या सबको ये है ना हाँ अब सुनना फोर परसेंट एच देखो शुरुआत कैसे हुई थी गवर्नमेंट इज वेरी चालाक नाउ सी वॉट दे डू फर्स्ट दे स्टार्ट विथ टू परसेंट पहले ना एच का रेट कितना था टू परसेंट दे स्टार्टेड विथ टू परसेंट फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम है ना तो उन्होंने बोला कितना है टू परसेंट बरोबर

फिर गवर्नमेंट ने बोला यार अच्छा चल रहा है अच्छा खासा कलेक्शन हो रहा है लोगों को टू परसेंट टैक्स के अमाउंट पे देना है तो उनको भी ज्यादा पिंच नहीं फील हो रहा है देखो ना कितना आया यहाँ पे अगर टैक्स सिक्सटी नाइन थाउजेंड है तो सेस टू सेवन सिक्स वन टैक्स के अमाउंट पे कैलकुलेट करते तो ज्यादा किसी को इतना फील नहीं हो रहा था वो तो अब हमने क्या किया टू हमने प्राइमरी एजुकेशन के लिए लिया बहुत अच्छा चल रहा था गवर्नमेंट बोला एक काम करो अब थ्री परसेंट कर दो अब सेस को कितना कर दो थ्री परसेंट थ्री वन परसेंट एडिशनल दे कलेक्टेड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन दे कलेक्टेड इट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन बहुत सालों तक थ्री परसेंट सेस था चलते गया चलते गया चलते गया गवर्नमेंट साइड यार बहुत मस्त कलेक्शन हो रहा है पैसे यूज कर पा रहे अंडर प्रिविलेज बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन के लिए अंडर प्रिविलेज बच्चों के सेकेंडरी एजुकेशन के लिए चलो एक और परसेंट लगा दो हेल्थ के लिए वी विल यूज वन परसेंट टू वॉर्ज हेल्थ facilities and for health purpose of underprivileged people so then 1% came for health and then this tax came to be known as h e c now always this is always applicable एच ई सी इज ऑलवेज मतलब ऐसा कोई slab नहीं है इतना कमाओगे तो एच ई सी लगेगा पचास लाख के नीचे पचास लाख के ऊपर कितना भी कमाओ आपको हमेशा फोर परसेंट एच ई सी देना पड़ेगा इट्स नॉट लाइक सरचार्ज सरचार्ज इज एप्लीकेबल एक्सीड्स अरे बोलो ना सरचार्ज इज एप्लीकेबल इनकम एक्सीड्स हाँ लेकिन एच के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है ऑलवेज एप्लीकेबल एच इज ऑलवेज एप्लीकेबल बोलो बोलो जल्दी बोलो एच इज ऑलवेज एप्लीकेबल एंड उसका एच इज ऑलवेज एप्लीकेबल और उसका रेट है एट फोर परसेंट बराबर है क्या चलो ये नोट लिखा क्या सबने नहीं लिखा फिर क्या करते हो रहे तुम तो? हम सुन रहे समझ रहे फिर समझ के लिखेंगे गाना नहीं सुनेंगे फटाफट ऐसे लिखोगे चलो हो गया क्या श्रेया वेट फॉर दैट हाँ कल छुट्टी है कल संडे है ना अच्छा हर संडे को छुट्टी नहीं है नहीं नहीं है कल छुट्टी है सिर्फ पहला संडे तो तुमको टॉर्चर नहीं करूंगी ओके कल छुट्टी है कल छुट्टी है आगे से नहीं होगी हाँ तुझे चाहिए तुझे नहीं चाहिए सवाल उसका नहीं है बेटा छुट्टी नहीं है बात खत्म हो गई तुझे क्या चाहिए उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे समझ में आया क्या सारी चीजें मैं डिसाइड करूंगी यस ओके रेडी है क्या ओके ना एच के बारे में लिखा क्या चलो किसका नाम तेरा नाम बता क्या है क्या नाम है एस एच एडी ओके शाद तो शाद का इनकम है एट लैख नाइन्टी टू थाउजेंड 422 ट्वेंटी सात का एन टी आई एट लैक नाइनटी टू थाउजेंड फोर ट्वेंटी टू लिखते क्या लिखो ए एग्जाम्पल टू है ना ऊपर क्या हो गया नंबरिंग दो चलो एन टी आई पहला वन है मुकुल का एग्जाम्पल क्या है वन तो नंबरिंग रहता है तो कुछ डाउट और कुछ डिस्कशन करने के लिए इजी हो जाता है मुकुल का एग्जाम्पल क्या है वन ए जल्दी करो रे नेबर्स चेक करो सब लोग लिख रहे क्या नोटबुक पेजेस नंबर है क्या फिर क्लास में मॉनिटर अपॉइंट करेंगे हाँ होमवर्क चेकिंग चेक करने का सबका बुक कर और वो मॉनिटर का बुक में चेक करूंगी ठीक है दो मॉनिटर्स करेंगे पंद्रह पंद्रह दिन में मॉनिटर्स चेंज करेंगे ठीक है हाँ ना हाँ सुनो ना एग्जाम्पल टू राइट डाउन शाद का एन टी आर एट नाइनटी टू फोर ट्वेंटी टू बट सुनो ना कैसे लिखेंगे फोकस करो अभी अभी सुनो एन टी आर लिखो एट लैख नाइनटी टू फोर ट्वेंटी टू नेक्स्ट लाइन से राउंड इट ऑफ ये सेक्शन है टू एटी एट ए ए क्यू पहले एन टी आता है ना बाद में टैक्स आएगा ना इसलिए पहला सेक्शन एन टी आई का बाद में का सेक्शन टैक्स का एक टू एटी एट ए है एक टू एटी एट बी है दोनों का राउंडिंग ऑफिस टू दियरेस्ट टेन टू एटी एट ए कितना लिखू एट नाइनटी टू फोर ना लेट्स कैलकुलेट टैक्स शाद का एट सिक्सटी कर दू क्या रहने दो ठीक है एट नाइन्टी टू फोर ट्वेंटी ज़ीरो टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ओहो ज़ीरो परसेंट ज़ीरो टू फिफ्टी टू फाइव लैक्स कितना इनकम है इसके बीच में टू लैख फिफ्टी उस पर फाइव परसेंट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगला जंप फाइव लैक्स टू एट नाइन्टी टू फोर ट्वेंटी थ्री नाइन्टी टू फोर ट्वेंटी उस पर ट्वेंटी परसेंट कितनी सेवेंटी एट फोर एटी फोर कितना टैक्स है नाइन्टी बराबर है क्या इधर राउंड ऑफ करू क्या करूं? कर दू राउंड ऑफ राउंडिंग ऑफ कहाँ होता है टैक्स फाइनल लाइबिलिटी अच्छा सरचार्ज आएगा क्या अरे सरचार्ज कब आता है सरचार्ज कब आता है अच्छा बराबर है अच्छा डाउट पूछने से डरना नहीं है आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हो कभी कभी टैक्स मैच नहीं होगा बिंदस पूछने का बाकी के आपके बारे में क्या सोचते हैं यू एंड योर एग्जाम दैट्स इट बी कंसर्न विथ योर एग्जाम कोई आने नहीं वाला आपका पेपर लिखने के लिए आपको ही लिखना है बराबर है क्या ना अब देखो यहाँ पे आया नाइनटी थाउजेंड नाइन एटी फोर क्या ऐड करूं फोर परसेंट एच ई सी ब्रैकेट पे लिखेंगे फोर परसेंट ऑन नाइनटी थाउजेंड नाइन एटी फोर हाँ इधर थोड़ा सा कभी कभी डेसिमल में आया तो हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं वो तो बाय डिफॉल्ट है मतलब डेसिमल में नहीं लिखते है, है ना हाँ तो कितना आता है सेस का अमाउंट बोलो थ्री सिक्सटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी नाइन पॉइंट को राउंड ऑफ कर दो बोल दिया ना बेटा पॉइंट मध्य नहीं आंसर पॉइंट में आंसर नहीं बोलने का तो फोर जीरो है क्या थर्टी नाइन पॉइंट क्या आ रहा है थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सिक्स को राउंड ऑफ नहीं करेंगे थर्टी नाइन पॉइंट फाइव थर्टी नाइन पॉइंट फाइव के आगे हुआ तो राउंडिंग ऑफ होता है ओ माय गॉड बराबर है डिट एवरीबडी गेट थ्री सिक्स थ्री नाइन ओहो फिर आएगा टैक्स लाइबिलिटी कितना टैक्स लाइबिलिटी है वेट सिक्स वन फोर नाइन्टी फोर सिक्स ट्वेंटी थ्री है का इसको राउंड ऑफ करेंगे क्या इसका सेक्शन क्या है और आंसर क्या आएगा नाइन्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी इज दैट ओके दे रहे क्या इतना टैक्स तू शायद दे पड़ रहा ज़रा इंटी फोर थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी इनकम होने के बाद हो गया क्या ये किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या पक्का नहीं है अच्छा से सबके लिए है क्या सीनियर वेरी सीनियर कोई भी हो यस yes, सबके लिए है ठीक है अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ पढ़ाओ अगला कॉन्सेप्ट यस यहाँ तक ओके लग रहा है क्या मैनेजेबल लग रहा है क्या आपको सबको एवरी स्टूडेंट दे आर सिटिंग इन द कॉर्नर एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी लास्ट बेंच इज हियर। बेटा तेरी तबियत ठीक नहीं क्या अभी तक हियर एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी ओके नाउ हाँ बोल अगर क्या हाँ? नाइन फोर सिक्स टू फोर ट्वेंटी फोर इज क्लोजर टू ट्वेंटी Or is it closer to 30? 20. So it will be rounded off as 94, 6, 20. Okay. Again. There is a concept of rebate. Likho. Concept of. Under section 87A. Likho. लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स एनीबडी है कार्तिक अचल केतकी किरण सानिया तीरथ विभूति एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम ओके कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट रिबेट इज लाइक अ डिस्काउंट ए रिबेट क्या है डिस्काउंट है रिबेट क्या है डिस्काउंट सबको डिस्काउंट नहीं देना चाहती गवर्नमेंट बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना रिबेट का बेनिफिट रिबेट इज नथिंग बट अ डिस्काउंट ये जो डिस्काउंट है इट इज रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू अ

उटसाइड इंडियाम असिडेंट एन आर आपको इंडिया में थोड़ा सा क्लास मतलब वॉल्यूम बढ़ा क्लास मतलब तो आ, अगर मुझे इंडिया में टैक्स देना है या नहीं ये मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करेगा सो इफ आनंदसर हैज प्रॉपर्टी हाउस इन लंडन विल लंडन ऑल्सो टेक टैक्स फ्रॉम आनंद सर येस प्रन इंडिया an in कभी कभी डबल टैक्सेशन भी हो जाएगा इंडिया भी टैक्स देगी और लंडन भी टैक्स ले सकता है ऐसा हो सकता है हाँ हो सकता है इसका कुछ सोल्यूशन है? है हम कहाँ सीखेंगे इन द चैप्टर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस तो इंडिविजुअल जो होता है आइदर जो व्यक्ति होता है एनी पर्सन कैन बी एन आर और कैन बी एन एन आर रेसिडेंट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यूर लिविंग इन इंडिया एंड इंडिया तो जो इंडिया में रहते उसको ज्यादा बेनिफिट देंगे ना बेटा जो इंडिया के बाहर रहते उसको कहीं कोई ज्यादा बेनिफिट देने का तो हम रिबेट किसको देंगे इंडिविजुअल हु इज

कैसे आता है एनटीआई जीटीआई आई जी टी आई माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स डिडक्शन फ्रॉम सेक्शन एटीसी यू और आई क्या होता है टोटल ऑफ फाइव हेड्स ऑफ इनकम इज द जीटीआई विच इज कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम बराबर है अब सुनना रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एनटीआई इज टू हुटी आईज अप टू फाइव लैक्स नहीं ना मैम हमने कुछ तो सुना सात लाख तक रिबेट है किधर तो वो बैक में है अपन ऑप्शनल पढ़ रहे हैं वो सात लाख सुना था तो वो किधर है बैक में बैक होता है ऐसे मैम ने सिखाया है लेकिन बैक के रेट्स मैम हमको बाद में सिखाएंगे बाद में सिखाने से हमको अच्छे से समझ में आएगा हमको मैकेनिकली नहीं सीखना है अप टू फाइव लैक्स कितना रिबेट मिलता है रिबेट इज इक्वल टू टैक्स का अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर ना ये ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड कहां से आया सब समझेगा पहले ये इतना लिख के लिया क्या नोटबुक पेजेस नंबरिंग नंबरिंग करो नंबरिंग करो नंबरिंग करो टैक्स में बहुत लिखाऊंगी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन हाथ दुखते होंगे ना कभी कभी लिख लिख के नहीं यू ऑल यूज टू राइटिंग वेरी गुड फाउंडेशन में आदत हो गई है अच्छी बात है एन टी अप टू कितना है एन टी आई अप टू फाइव लैक्स किसको मिलेगा रिबेट ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल एच को मिलेगा नहीं फर्म को मिलेगा नहीं एल एल पी को नहीं कंपनी को नहीं ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है रिबेट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा मतलब बाकी के लोगों को नहीं मिलेगा बराबर है ओके okay, अब देखते हैं। अब देखते हैं किसका नाम लिखो अभी मैं इधर कौन रे पूरब कौन है पूरब लिखू पी यू आर ए बी एच बराबर ना स्पेलिंग बोल रहे एम यू एन ए एफ ओके अब सुनो मुनाफ का जो इनकम है नहीं अभी मुझे पांच लाख के नीचे की उम्र रिबेट सिखाना है तो मुझे वही एग्जाम्पल लेना है अभी पांच लाख से कम ही कमाना पड़ेगा ठीक है अब सुनना ए लिसन हिज फोर्टी सिक्स थाउजेंड वन थर्टी एट चलो लिखो एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है हाँ लिखो चलो जल्दी करो सिर्फ थर्ड एग्जाम्पल पे अपन क्या रे अच्छा उसके बाद एक लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे का नाम लेते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स हैं सबके एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते अच्छा अब इसका एन टी राउंड ऑफ करेंगे क्या बेटा फोर फोर्टी सिक्स वन थर्टी एट कैन आई राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन टू एटी एट ए फोर फोर्टी सिक्स वन फोर्टी अब टैक्स अभी आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगी फिर इसके बाद रिबेट वाला इनको दिखाया था जीरो टू टू फिफ्टी जीरो परसेंट टैक्स जीरो टू फिफ्टी टू फोर फोर्टी सिक्स वन फोर्टी बेटा कितना इनकम है इसके बीच में टी वन फोर्टी पे क्या रेट तो बोलते क्या कितना नाइन जीरो सेवन so, सो टैक्स की टोटल कितनी आ गई नाइन एट जीरो सेवन बरोबर है का ए बरोबर है का हा इधर टैक्स लिखो नाइन एट जीरो सेवन अच्छा हम गवर्नमेंट क्या करेंगे ना बेटा वी वॉन्ट टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द हैव एंड द हैव नॉट्स हमको क्या करना है रिड्यूस द गैप बिटवीन द हैव एंड द हैव नॉट मतलब जिनके पास बहुत पैसे है उनसे थोड़ा ज्यादा टैक्स ले लो जिनके पास पैसे थोड़े कम है उनसे कम टैक्स ले लो हमें ऐसे हम कोशिश करते तो इसलिए डिस्काउंट किसको दिया है पांच लाख के नीचे डिस्काउंट किसको दिया है पीपल हुई इनकम इज बिलो फाइव लैक्स बराबर है का यस yes. तो यहां पे देखो क्या होने वाला है कितना रिबेट मिलता है रिबेट का अमाउंट कहा कितना है टैक्स की अमाउंट ट इज नाइन एट जीरो सेवन और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये फिक्सड है सेक्शन ने बोला है एटी सेवन ए एटी सेवन ए सेक्शन आप आज एक्ट से पढ़ सकते हो यू कैन ओपन हर पेज के ऊपर ना सेक्शन नंबर लिखा हुआ रहता है वन टू थ्री फोर यू कैन जस्ट टर्न द पेज ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता है तो एटी सेवन ए पे जाके आपको ये सेक्शन पढ़ना है वहां पर लिखा है अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रिबेट इज इक्वल टू टैक्स और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर अब देखना टैक्स अच्छा मैम से सबसे पहले आपको डिस्काउंट मिलेगा यहां पे मैं करूंगी लेस रिबेट अब रिबेट कितना है एटी सेवन ए टैक्स की अमाउंट कितनी है नाइन एट जीरो सेवन और बारह हजार पांच विच एवर इज लोअर अरे इफ योर टैक्स इज नाइन एट जीरो सेवन मैक्सिमम डिस्काउंट हाउ मच आई कैन गिव यू नाइन एट जीरो सेवन उससे ज्यादा डिस्काउंट दे सकती हूँ क्या आपकी जेब में सौ रुपए तो आप सौ से ज्यादा का खर्चा कर सकते क्या नहीं आपके घर में पांच हजार है चोर आता है चोरी करने को चोर बोलता है मेरा टारगेट दस हजार का है। तुम्हारे घर पे पांच हजार कैश है तो उसको पांच हजार ही चोरी करने को मिलेगा ना क्या बोलता रहा वो क्या क्या लेके जाएगा अवगढ़ हाँ टीवी लेके जाएगा ठीक है अब सुनो कितना रिबेट मिलेगा तुमको नाइन एट जीरो सेवन सो टैक्स जीरो अब निकालो फोर परसेंट सेस मैम क्या क्या मैम क्या हम सी ए बनने वाले तीन साल में कितनी साल में बनने वाले हो तीन साल का टाइम है क्या तुमको लिखा क्या सबने ए लिखा क्या क्या मैम हाँ बोल ना ये कैलकुलेशन हाँ जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक बताना है <laughs> हाँ बताना है मैं भी लिख रही हूं ना बेटा है ना तो तुझे भी लिखना पड़ेगा ऐसा मैं जैसे लिख रही हूँ वैसा ही करना है है ना यस हाँ। yes, बोलो नहीं रिबेट डिस्काउंट एच के पहले होता है रिबेट इज बिफोर एचईसी नॉल टेन यू वन थिंग सम थिंग्स इन टैक्स प्रॉब्लम देख के आपको समझना है अच्छा मैम ने ऐसा किया है मतलब रिबेट इज अवेलेबल बिफोर एचईसी हाँ हाँ फोर रुपीज ना हाँ हाँ देन विल बिकम फाइव लैक्स यस यस ओके अब अगला एग्जाम्पल लेते एग्जाम्पल बोलो अगला फोर्थ नंबर ना एग्जाम्पल फोर नहीं अभी अपन लाइव स्ट्रीमिंग के स्टूडेंट का एक नाम लेते क्या रहे? ए यार महेश ऐसे डाउट नहीं पूछने के मेरे को नील लिखना है या जीरो लिखना है काट डालूंगी अभी मैं तेरे को उधर ही आके क्या रे नील लिखना है या जीरो लिखना है तीन साल में सीए बनने वाले नील लिख जीरो लिख कुछ भी लिख तू भूमिका भूमिका एन टी आई इज फाइव लैक्स ए भूमिका का एन टी आई कितना है फाइव लैक्स लिखो कैलकुलेट करो मैं नहीं कर रही अभी तुम करो कैलकुलेट राइट इट मुझे देखना है आपकी नोटबुक में जीरो मत बोलो लिखो हाँ एनटीए को टैक्स कैलकुलेट करने से पहले अपन फर्स्ट स्टेप एनटीए को राउंड ऑफ किया ना बेटा अपन ने हाँ इधर आप हा, मैंने एनटीआई को पहले राउंड ऑफ करूंगी फिर टैक्स कैलकुलेट होगा यस। yes. एनटीए को अपन पहले राउंड ऑफ करेंगे नंतर ना लॅपटॉपवरती मग तिथे वायफाय कनेक्ट करा ना मला एक व्हिडिओ दाखवायचा आहे मॉक्स केबल आणि हे फक्त कनेक्ट करून ठेवा मी घेते एन टी आय कितना आहे फाय लॅक्स किया क्या कॅल्क्युलेट क्या क्या क्या? जमताय तुमको झेपता झेपताय क्या ए तू टॅक्स का वर्किंग लिख है ना वर्किंग चाहिए मुझे मैं लिख रही हूँ ना तूने भी लिखने का हाँ जीरो टू टू फिफ्टी जीरो परसेंट अयो जीरो परसेंट जीरो टू पॉइंट फाइव लैक्स टू फाइव लैक्स कितना ए अप टू फाइव लैक्स पे एन मिलेगा क्या yes, ये ये मीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है देखो रिबेट इज अवेलेबल हुई अप टू टू का मतलब होता है लेस देन फाइव लैक्स और इक्वल टू फाइव लैक्स है इक्वल टू फाइव लैक्स समझा क्या सबको पक्का ओके अब टू पॉइंट फाइव टू फाइव रेट क्या फाइव परसेंट तो टैक्स इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव ये देखो अब टैक्स लिखेंगे कितना थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब मिलेगा रिबेट पहले सेस ऐड करने का क्या नहीं पहले डिस्काउंट टैक्स आते से ही पहले डिस्काउंट तो डिस्काउंट रिबेट का फॉर्मूला कितना है बोलो टैक्स की अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर सो टैक्स की अमाउंट जीरो और ट्वेल्व सॉरी 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 ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये टैक्स के अमाउंट और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर कम्स टू ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड टैक्स इज जीरो आई नीड नॉट गो आई डोंट नीड शो है फोर परसेंट सेस एंड ऑल प्लीज अभी सेस जीरो पे फोर परसेंट निकालोगे तो जीरो ही आएगा कैन आई स्टॉप द वर्किंग हियर यस बराबर है क्या अब लिखो एग्जाम्पल फाइव चमन कौन है रे चंपा एंटीआईज फाइव लैक थर्टीन थाउजेंड अरे अभी ऐश्वर्य है ना चंपा भी है चलो एनटीआईज फाइव लैख थर्टीन थाउजेंड कैलकुलेट है कनेक्टेड है का ठीक हाँ हाँ दया मी फ एक दोन मिनट में प्लेस करते मैं एच डी एम आई नहीं कनेक्ट करूं का हाँ अब रिबेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा अब रिबेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा नाउ देर विल बी नो रिबेट नाउ देर विल बी नो रिबेट क्या प्रॉब्लम हो रहा है रिबेट मिलेगा क्या तो फाइव थर्टीन पे बोलो जीरो टू टू फिफ्टी टू पॉइंट फाइव लैक्स जीरो टैक्स टू पॉइंट फाइव टू फाइव लैक्स पे ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव लैक्स से लेके फाइव लैख थर्टीन थाउजेंड पे तेरह हजार पे कितना टैक्स का रेट लगेगा ट्वेंटी परसेंट विच इज टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सो हर द टैक्स इज कमिंग टू फिफ्टीन थाउजेंड योर टैक्स इज फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड देर इज नो रिबेट यस, बट रिबेट नहीं आएगा जस्ट लुक एट इट हमने हमने पांच लाख

तो यहां पे देखो टैक्स के ऊपर कोई रिबेट नहीं आई विल एड फोर परसेंट सेस एंड हाउ मच इज द फोर परसेंट सेस कमिंग टू यस हाउ मच इज एट सेस कमिंग टू सिक्स जीरो फोर सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज कमिंग टू हाउ मच फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर आई विल राउंडेड ऑफ एज फिफ्टीन सेवन और यहां पे नोट आएगा नो रिबेट अंडर सेक्शन एटी सेवन ए एज एन टी आई एक्सीड्स फाइव लैक्स एज एन टी आई एक्सीड्स फाइव लैक्स नहीं मिलता है गौरी यहां पे. नहीं मिलता मार्जिनल रिलीफ जैसा कॉन्सेप्ट जिन्होंने आगे का सीखा है यहां नहीं मिलता अरे इधर एसी ऑन करा तो मैम इट्स हॉट ए सी का टेम्परेचर थोड़ा करा अब सुनना समझ में आ रहा है क्या ये सबको तो ये समझो कि एनटीए पांच लाख अब ऊपर का एग्जाम्पल देखो जहां एनटीए एग्जैक्ट एक्जैक्ट फाइव लैक्स था वाज़ योर टैक्स जीरो एंड वेर योर एनटीए टी आई फाइव लैख थर्टीन थाउजेंड कैन आई से योर टैक्स लायबिलिटी जो फाइनल टैक्स योर पेइंग इज फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड क्यों क्योंकि पांच लाख तक रिबेट है पांच लाख के ऊपर रिबेट नहीं है एक बार पांच लाख क्रॉस कर दिया तो पूरा इनकम इज Taxable. अब लोग जब सुनते ले मैन कॉमन मैन यू डोट बी लाइक टू दजट देस दिस क्लाइंट आके बोलता है नहीं, नहीं, तो टैक्स नहीं है सिर्फ मुझे तेरह हजार पे देना है तेरह हजार पे क्या? इतना टैक्स आ रहा है पंद्रह हजार सात सौ अब कॉमन मैन को नहीं पता कि रिबेट इस तरीके से अनाउंस किया गया था लोगों को लगा पांच लाख तक टैक्स ही नहीं है लोगों को लगा बीएल ही पांच लाख हो गया बी एल इज नॉट फाइव लैक्स डिस्काउंट देंगे सिर्फ उसी को जिसका इनकम इज अप टू फाइव लैक्स एंड इफ योर इनकम एक्सीड फाइव लैक्स देन यू यूवे फुल टैक्स सो जस्ट शो यू पीयूष गोयल जी वॉज फाइनेंस मिनिस्टर तो उनका एक वीडियो है जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था बजट का साइल जस्ट शो यू I got it, okay. ऑल राइट right. कुछ बच्चों ने देखा हुआ है वो क्या क्या बोलता रहे पांच मिनट वाला एक वो दिखाती हूं तुम लोग The existing rates of income tax will continue for FY 1920 also. I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. क्या हो गया रे तुम <laughs> अब तालियां कितनी बजी लेकिन सबको बेनिफिट मिला क्या ओनली अप टू बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड नो बस हो गया देखो पार्लियामेंट में ये वो अभी देखो नहीं आई वॉन्ट टू शो यू दिस इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव कितना गलत रिपोर्ट किया गया था कर दू बंद अभी क्या मजा आ रहा है तुमको तुमने मुद्दे की बात तो देखी नहीं सिर्फ उनकी तालियां देख रहे हो और वो हंस हाँ रहे वापस

बस हो गया ओके नाउ लिसन मैम वाई डी डी से साढ़े छह लाख तक हाँ ए टी सी जी टी आई पे रिबेट है या एन टी आई पे अब हाँ, देखो पहले तो आपने दो चीजें मिस करी वहां पे एक मिनट रुको मुझे स्क्रीन ऑन करने दो ऑन ही है अभी हो जाएगा हाँ अब सुनना पहले तो आपने एक चीज मिस करी वहां पे जब रिबेट का अनाउंसमेंट हुआ पाल कुछ अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में तालियां बजाने के लिए होते हैं अभी कुछ अमेंडमेंट है आगे जो जिसका कुछ यूज ही नहीं होता है तभी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कोई यूज नहीं है बट अनाउंसमेंट कर दिया लोग बहुत खुश हो गए कोई फायदा नहीं उस अमेंडमेंट का अब इस अमेंडमेंट का कुछ तो फायदा है एटलीस्ट फॉर पीपल आर अर्निंग अप टू फाइव लैक्स नाउ डिड यू नोटिस एक वीडियो में एक बार लिख के आया था बजट में स्लैब चेंज हो गया क्या लोगों को लगा पांच लाख बी बन गया पांच लाख बी नहीं बना कितना स्मार्टली ये हजार पांच जुलाई 2019 का बजट है जहां पीयूष गोयल जी ने अनाउंसमेंट किया था एंड कितना स्मार्टली देखो वो अनाउंसमेंट करते रिबेट इंट्रोड्यूस कर दिया सबको पांच लाख का बेनिफिट नहीं दे दिया बीएल पांच लाख कर देते दे तो सबके लिए टू पांच लाख जीरो टैक्स आता जैसे कि फाइव लाख थर्टीन पे टैक्स आ रहा है 15 पूरा टैक्स आ रहा है तो मस्त करके रिबेट इंट्रोड्यूस किया और बोला कि रिबेट कितना मिलेगा टैक्स और 12500 विच एवर इज लोअर अब उधर क्या बोला स्लैब बढ़ गया स्लैब बढ़ा क्या नहीं अब दूसरी बात व्हाई डिड ही से 650 रिबेट इज अवेलेबल इफ एनटीए इज अप टू आई टोल्ड यू अगर आपका जीटीए इज 650 कितना जी टी आई सिक्स लैक्स फिफ्टी यू गेट सी चैप्टर सिक्स से डिडक्शन की लिमिट है डेढ़ लाख कितनी लिमिट है वन लैख फिफ्टी अब डिटेल में कहा पढ़ाऊंगी डिडक्शन के चैप्टर में तो ये वन फिफ्टी आप माइनस करोगे तो एन टी आई बन गया फाइव लाख तो ही इज ट्राइंग टू से कि ये बेनिफिट सिर्फ एनटीआई टू पांच लाख ने इन शॉर्ट अगर आपकी कमाई सिक्स लैक्स फिफ्टी है और आप इन्वेस्टमेंट करते हो डेढ़ लाख के तो आपका ऑटोमेटिकली एन टी आई आएगा फाइव लैक्स अब फाइव लैक्स पे टैक्स आएगा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड देन आई विल से रिबेट अंडर एटी सेवन ए विच इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड देन टैक्स इज जीरो पांच मिनट पार्लियामेंट में कितना हल्ला हुआ पांच मिनट तक कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट ऐसा किया तो लोग तो इतने खुश न्यूज पेपर टीवी पे सब जगह एंड ओ गॉड अभी क्लाइंट से डील करना मुश्किल हो गया yeah. क्लाइंट बोलेगा पांच लाख तक तो टैक्स नहीं आपते राजा पे मुझे इतना टैक्स लगाते उनको थोड़ी ये समझता है ऐसा हुआ है ध्यान में आया क्या सबको पक्का समझ में आ रहा yes. तो, है क्या सबको यस तो दिस इज हाउ दैट रिबेट वाला फंड ठीक है यस चलो अब सरचार्ज वाला पार्ट बताओ क्या क्या थोड़ा थ्योरी बताओ सरचार्ज थ्योरी को मिस कर देंगे क्या कल थोड़ा सरचार्ज वाला पार्ट बताऊं अब यहां तक आ गए ना चलो एक सीनियर और वेनी सीनियर का भी ले लेते हैं चलेगा हाँ चलो लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर बोलो क्या है लिखो क्या रहे? नाम किसका नाम प्रेम अब मैं प्रेम को लेकिन सीनियर सिटीजन करने वाली हूँ अब एक क्वेश्चन तो सीनियर सिटीजन का भी करने का है ना मुझे चला 62 इयर्स। क्या हो गया रे हंसने को क्या हो गया तेरे का चलो कैलकुलेट करूं गौरव सोनी एन टी आई गौरव एग्जाम्पल फाइव लैख थर्टीन में ऑलरेडी फाइव थर्टीन आ रहा है ना बेटा मतलब ऑलरेडी एन टी आई आ रहा है तूने इन्वेस्टमेंट करके बाद आया ना एन टी आई सिक्स पॉइंट फाइव लैक्स वाला लिखना है नहीं कोई जरूरत नहीं है नेक्स्ट नेम साकेत लेना ठीक है चलो टैक्स कितना आ रहा है अब ऐसा लग रहा है मैम कब से टैक्स कैलकुलेट कर रहे अभी टैक्स में कम्फर्ट हाथ बैठ गया कि नहीं अच्छे से हाँ थ्री लैक्स ओ, मैंने गलती कर दी ओ हो, 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 हो तुमने भी कर दी तुमने थ्री लैक्स की मिस्टेक नहीं की क्या रे झूठ नहीं बोलने का कोई तो होगा ना एक कोई तो होगा ना गलती करने वाला हाँ देख कितना ऑनेस्ट अकेला अच्छा ऑनेस्ट बच्चा है वो बाकी भी कितनी गलती जीरो टू थ्री लैक्स जीरो टू थ्री लैक्स टैक्स इज गोन टू बी ओ माई गॉड थ्री लैक्स टू फोर लैक् एटी सेवन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी तो हाउ मच इज दिस वन एटी सेवन यस तो इस पर टैक्स कितना आएगा नाइन थाउजेंड थ्री एटी थ्री फाइव परसेंट ना थ्री एट थ्री बराबर है क्या यस सो टैक्स इज नाइन थ्री एट थ्री वॉट वी लाई गेट रिबेट अब रिबेट अंडर एटी सेवन ए क्यों मिलेगा असेसी एस एस इज इंडिव्यूजल इज अप टू फाइव लैक्स अस एस इज एंड इज अप टू फाइव लैक्स वॉट द डिफरेंस बिटवीन वेरी सीनियर एंड रिबेट हाँ सिर्फ वेरी सीनियर में वो सेम हो जाएगा ना रेवंत सिर्फ वेरी सीनियर में वो पांच लाख का रिबेट का पूछ रहा है तो ऐसे कुछ नहीं है मैं बताती हूं सॉल्व करेगा तो तो यहां टैक्स का रिबेट कितना मिलेगा नाइन थ्री एट थ्री और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर इट कम्स टू नाइन थ्री एट थ्री देर फॉर टैक्सेस एंड एड करू क्या कुछ नहीं हो गया लिखो रिबेट अंडर एटी सेवन इज अवेलेबल इफ एनटीआई अप टू अवेलेबल टू आर ऐसे लिखते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल यू कैन जस्ट राइट आर रेसिडेंट इंडिविजुअल इफ एन टी आईज अप टू ए रे इफ एन टी आईज अप टू फाइव लैक्स नंबर योर नोटबुक पेजेस नंबर योर नोटबुक पेजेस डोंट फॉर गेट टू नंबर दम हा इंपॉर्टेंट है जो सेक्शन में लिखवा रही हूँ वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हा इंपॉर्टेंट है एटी सेवन ये इंपॉर्टेंट है, है इसलिए हम लर्न करेंगे लिखेंगे बार बार अब लर्न भी हो गया है हाँ आगे जाएंगे साकेत एग्जाम्पल नंबर बोलो ऊपर वाला ही ले, ले लेते फोर एटी सेवन सिक्स फिफ्टी करो मैम एनी वेज उसका बीएल एल फाइव तक जीरो ही आने वाला है हाँ तो वैसे करने का कर, तो क्या हुआ जीरो टू फाइव लैक्स जीरो परसेंट सो टैक्स इज जीरो सो टैक्स इज जीरो हो गया तो रिबेट क्या ही मिलेगा ऑलरेडी डिस्काउंट हो गया है खत्म टैक्स इज जीरो क्या बोलना फाइव लैक वॉट अरे बोलना हाँ हाँ सो अरे हो हो अरे हो फोर एटी सेवन सिक्स फिफ्टी डरने का नहीं रे ऐसा लिखने का ना? ना मेरे को बोलना था अप टू फाइव लैक्स एनी वे सब कुछ जीरो है टैक्स को राउंड ऑफ नहीं करेंगे किधर राउंड ऑफ करेंगे फाइनल टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करते इधर पहले से नहीं राउंड ऑफ करते ये आखिरी वाला जो टैक्स है ना उसको राउंड ऑफ करते मुकुल डन है क्या ए क्लैरिटी आ गई क्या अब सरचार्ज बताओ क्या बताओ क्या क्या थोड़ा थ्योरी करूं? थोड़ा थ्योरी करती हूँ यार फिर नहीं फिर तुम चीटिंग करोगे कल फिर कितना ये करेंगे थोड़ा थ्योरी करते अभी ठीक है ना हाँ कर लेते कर लेते क्या हो गया हाँ कल तो छुट्टी है ठीक है ठीक है कल मतलब आई ऑलवेज मीन द नेक्स्ट वर्किंग डे ओके ऐसा टेंशन मत लो कल नहीं परेशान करूंगी तुमको बट अगले संडे जरूर मिलूंगी ठीक है यस किसको संडे को कहीं जाना है मुझे ऑफिस क्लास ऑफिस क्लास नहीं बिल्कुल नहीं होती हूं मैं बोर ठीक है यस तुम्हारे लिए तो एक बैच है मेरे लिए तो हर संडे संडे टैक्स के साथ ही जाता है अभी करना ही पड़ेगा क्या करेंगे अपन है कि नहीं यस yes. चलो आप सुनते थोड़ा सा थ्योरी करते हैं बहुत इजी वाला पार्ट करती हूँ so, सो थोड़ा थ्योरी एंड तुरंत आई विल डू सरचार्ज वाला पार्ट ठीक है तो उसके पहले एवरीबडी सिट स्ट्रेट क्लैप योर हैंड्स एंड गेट ऑन ओके तो आज का दिन हमारा कैसे जाने वाला है बहुत अच्छा जाने वाला है जो भी क्लास में सिखाया जाएगा हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है करेक्ट है ना ये हमें जनरली स्टूडेंट्स को बोलते हैं हम बोलते हैं और स्कैम फिर बच्चे बाद में ऐड कर देते हैं। वो मैंने नहीं बोला है लेकिन अपन क्या बोलते हैं टैक्स इजी टैक्स स्कोरिंग टैक्स इज मज्जा ओके आगे नहीं बोलने का hey, कौन है <laughs> okay now pay attention <clears throat> income tax act may income tax act may there are 298 sections and there are 14 schedules एक्ट खत्म हो जाता है ना तो उसमें शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री एनेक्शर जैसे कुछ तो एडिशनल उसमें कुछ उनको जो बताना है वो बताया जाता है ओके तो इनकम टैक्स एक्ट में टू नाइन्टी एट सेक्शन है ये हमें पता है कि एक्चुअली ये टू नाइनटी एट नहीं है टू नाइन्टी एट से बहुत ज्यादा है सिक्स फिफ्टी प्लस ही सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट हैज 298 सेक्शंस एट सेक्शन एंड इट हैज फोर्टीन शेड्यूल्स बराबर है अब जैसे ही सेक्शन आता है बिलो द सेक्शन देर इज सब सेक्शन देन देर इज अ क्लॉज देन देर इज ओ माई गॉड सब क्लॉज अयो फिर क्या है देन देर इज आइटम नंबर ओके राइट एंड इसके बीच में आपको आएंगे एक्सप्लेनेशंस एंड प्रोवाइजो प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन फटाफट आपको बताती हो अभी सुन के लेना सेक्शन के नीचे आता है सबसेक्शन ठीक है नाउ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्शन एंड अ क्लॉज दैट यू शुड नो नो बडी इज यू थेटिकली बट जब आप पढ़ते हो सेक्शन और प्रोविजन आपको पता होना चाहिए अब ध्यान से सुनना एक सेक्शन है इनकम टैक्स में विच इज सेक्शन थर्टी फाइव ये बात करता है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में रिसर्च के खर्चे के बारे में बात करता है देखो साइंस के ऊपर रिसर्च करना बहुत अच्छी बात है हम जितना रिसर्च करेंगे उतना आगे जाएंगे जितना हम टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड काम करेंगे तो उतना हमारे पास उसके इन्वेस्टिगेशन से बहुत फायदे होंगे और <clears throat> उतना द कंट्री विल ग्रो सो हम बोलते कि साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन थर्टी फाइव टॉक्स अबाउट साइंटिफिक रिसर्च अब साइंटिफिक रिसर्च का जो सेक्शन है उसमें सिर्फ एक दो लाइंस नहीं होती है उसके नीचे मुझे पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री बहुत सी चीजें बतानी है आपको तो इसके नीचे मैं लिखूंगी सब सेक्शन वन वन ए हो सकता है थर्टी फाइव टू हो सकता है अब ये क्या है ये सारे सब सेक्शंस हैं नाउ हाउ डू आई नो वट इज दिस दिस इज अ सब सेक्शन वाई बिकॉज पॉइंट वन वन एंड टू दे आर रिलेटेड दे आर रिलेटेड टू वन कॉन्सेप्ट डेट इज साइंटिफिक रिसर्च 35 का पॉइंट वन मतलब सेक्शन सब सेक्शन वन साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हैं वन ए भी साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा है टू भी साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा है मतलब सब सेक्शन एक ही टॉपिक पे बोले जाते हैं एक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं

टेन टू ए अब एक इनकम का दूसरे इनकम से कोई कनेक्शन नहीं है देन आई विल यूज द वर्ड क्लॉस सो आई विल से टेन क्लॉस वन टेन क्लॉस टू क्लॉस टू किसी और इनकम की बात कर रहे हैं कि फलाना फलाना इनकम भी एग्जाम है टेन वन बोलता है एग्री इनकम एग्जाम है टेन टू है बोलता है कोई और इनकम एग्जाम है एक एग्जाम इनकम का दूसरे एग्जम इनकम से कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन ऊपर पॉइंट वन वन एट टू ये सब किसके रिलेटेड है दे आर ऑल रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च एंड दैट इज वाई हम उसको क्या बोलते हैं सब सेक्शन और या तो सेक्शन टेन बोलो या सेक्शन टू बोलो सेक्शन टू क्या देता है डेफिनेशन अब एक सेक्शन है टू ट्वेंटी फोर ये इनकम डिफाइन करता है सेक्शन है टू फोर्टी वन ये रिलेटिव डिफाइन करता है अब रिलेटिव के डेफिनेशन का इनकम के डेफिनेशन के साथ कोई कनेक्शन है क्या नहीं एक डेफिनेशन का दूसरे डेफिनेशन के साथ कनेक्शन नहीं है देन आई विल यूज द वर्ड क्लॉज देन आई विल यूज द वर्ड क्लॉज समझा क्या तो अगर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से थर्टी फाइव मैंने स्टार्ट किया सेक्शन थर्टी फाइव थर्टी फाइव में चार पांच पॉइंट है नीचे उसको नंबरिंग देना पड़ेगा वो नंबरिंग को सब सेक्शन बोला जाता है क्यों बिकॉज सारे पॉइंट्स साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है लेकिन जब मैं सेक्शन टेन की बात करूंगी या कुछ सेक्शन है डेफिनेशन डेफिनेशन एक definition है इनकम एक डेफिनेशन है रिलेटिव एक डेफिनेशन है अमाल एक डेफिनेशन का दूसरे डेफिनेशन से कनेक्शन नहीं है देन वी यूज द वर्ड क्लॉज देन वी यूज द वर्ड क्लॉज समझा क्या नोबडी आस्क यू दिस बट इट इज वेरी सैड टू सी इफ पीपल सी ए बन जाते और उनको ये डिफरेंस नहीं पता एंड यूज अ वर्ड क्लॉज फिर वो अच्छा नहीं लगता बराबर है कि नहीं यू शुड नो दीज थिंग्स ठीक है तो चलो सेक्शन के नीचे क्या आएगा <laughs> उसके बाद अगर और भी कुछ बोलना है तो क्लॉज सब क्लॉज एंड और भी हो सकता है आइटम नंबर्स वगैरह कुछ लिस्ट करना है आपको वन टू थ्री फोर तो और भी नीचे आ सकता है अब इसके साथ ही सेक्शन के साथ ही होते दो चीजें एक होता है प्रोवाइजो और एक होता है एक्सप्लेनेशन एक होता है प्रोवाइजो और एक होता है एक्सप्लेनेशन प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन सो आई हैड ऑलरेडी गिवन दिस एग्जाम्पल इन माई प्री रिजल्ट बैच है ना मैंने एक एग्जाम्पल दिया था फटाफट वही एग्जाम्पल आपको दूंगी अब देखते हैं डोमिनोज का एग्जाम्पल मैंने एक दिया था कौन है रे इधर किसका नाम लेने का क्या रे अभिषेक किधर है अभिषेक अभिषेक ठीक है तो अभिषेक वैलेंटाइन डे पे चमेली के साथ गया था नहीं, नहीं मैंने अब चंपा नहीं बोला ना सर गुस्सा नहीं होंगे अभी ठीक है हाँ, मैंने चमेली बोला चंपा अकाउंट्स में चमेली इनकम टैक्स में ओके हाँ ओके अब सुनना अभिषेक जो है वो चमेली को लेके वैलेंटाइंस डे पे गया था ओके तो क्या हुआ उसके पास वाउचर था क्या रे लवकर बोलो सुनो क्या वाउचर था बाय वन बाय वन गेट वन फ्री डोमोज का ठीक है डोमिनोज का वाउचर था बाय वन गेट वन फ्री अब क्या हुआ इज इट बेस्ट है वैलेंटाइंस डे भी है लेट मी यूज दिस वाउचर वैलेंटाइंस डे पे डे कौन सा था रे डे क्या था वेनसडे बराबर अब वो वाउचर लेके चमेली को लेके जाता है और देन दे गो एंड ही जस्ट फर्स्ट क्लैरिफाइज वो जाके मिलता है और डोमिनोज वाले को बोलता है ये देखो ये वाउचर है चलेगा क्या जैसे नो सर नहीं चलेगा तो अरे बाय वन गेट वन फ्री लिखा है ना तो क्यों नहीं चलेगा तो उनको क्या बोलता है कि दिस ऑफर इज नॉट वैलिड ऑन वीकडेज या उल्टा हाँ तो वीकडेज पे नहीं है उन्होंने जानबूझ के ऐसा कर दिया कि वीकेंड एक ही दिन पे कहीं तो हम ऑफर वैलिड रखेंगे क्योंकि दे नो वैलेंटाइन्स डे पे फिर हर कोई वाउचर लेके आ जाएगा तो दस नो नो दिस ऑफर इज नॉट वैलिड ऑन 14th ऑफ फेब। वहां पे लिखा हुआ है नॉट ऑफर ऑन वैलेंटाइंस डे और नॉट वैलिड ऑन सम डेज। तो व्हाट हैपेंड यहाँ पे लिखा था ऑफर नॉट वैलिड ऑन वैलेंटाइंस डे तो वैलेंटाइंस डे पे ये ऑफर वैलिड नहीं है ये क्या हो गया इसका प्रोवाइजो एक्सेप्शन ये क्या हो गया ये रूल हो गया सेक्शन ने आपको प्रोविजन बोल दिया क्या प्रोविजन बोल दिया कि एक पिज्जा के साथ दूसरा पिज्जा फ्री मिलेगा लेकिन ये फ्री मिलने वाला ऑफर वैलेंटाइन डे पे नहीं है ये हो गया प्रोवाइजो ये हो गया प्रोवाइजो एक्सेप्शन कि ये रूल इस दिन पे अप्लाई नहीं करेगा इसको बोलते हैं प्रोवाइजो अब उसका पूरा मूड खराब हो गया चमेली नाराज हो गई क्या रे अभिषेक <laughs> तो अब वो चमेली नो नो वन मोर विल कम अगेन ऑन सैटरडे विल कम अगेन ऑन सैटरडे ओके ना फर्स्ट ही गोज एंड ही कन्फर्म ये वाउचर सैटरडे को वैलिड है क्या पहले कन्फर्म करके आ गया तो so, हाँ वैलिड है थैंक गॉड इट्स वैलिड अब सैटरडे को

वहां पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है ओनली द लो प्राइस पिज्जा विल बी फ्री क्या फ्री होगा लो प्राइस पिज्जा विल बी फ्री तो आपको जब सेक्शन कोई रूल बताया जाता है वो प्रोविजन है उस प्रोविजन कब एप्लीकेबल नहीं होगी ये उसका एक्सेप्शन है वो क्या बोलते हैं उसको प्रोवाइजो और उस प्रोविजन को और बेहतर समझाने के लिए आपको दिया जाता है एक्सप्लेनेशन विच इज अ क्लैरिफिकेशन कि हां बाय वन गेट वन फ्री है लेकिन ये वैलेंटाइन डे पे नहीं है बाय वन गेट वन फ्री है लेकिन द फ्री वाला इज द लोअर प्राइस पिज्जा सो नाउ शी सेड नो योर बिल विल बी इक्वल टू सिक्स फिफ्टी और फोर फिफ्टी वाला पिज्जा जो है वो फ्री हो जाएगा यह हो गया एक्सप्लेनेशन विच गिव यू मोर क्लैरिफिकेशन अबाउट दैट प्रोविजन समझ में आया क्या आपको यस तो इवन दिस जोक आई हैव टोल्ड इन द प्री रिजल्ट एंड दिस इज जेन्यूनली विच हैपेंस सो मेनी टाइम्स सो पीपल नहीं मैम हम रोज एक एक सेक्शन पढ़ेंगे सिक्स फिफ्टी सेक्शन है तो पूरा एक्ट से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अब कुछ कुछ तो सेक्शंस ऐसे हैं बेटा सेक्शन एक है रूल बस प्रोविजन दो लाइन की है उसके प्रोवाइजो तेईस ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर एक्सेप्शन है उसके सो इफ यू रीड दिस सेक्शंस सेक्शन फिर सब सेक्शन फिर क्लॉज सब क्लॉज आइटम नंबर्स फिर एक्सप्लेनेशंस, प्रोवाइडेड दैट फर्दर प्रोवाइडेड दैट आल्सो प्रोवाइडेड दैट ये सारे क्या हो गए उसके एक्सेप्शन तुम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और आखिरी में फिर एक लाइन आती है दिस सेक्शन हैज बीन डिलीटेड सो अंडरस्टैंड दिस इज हाउ इट हैपन्स सेक्शन अगर एक बार डिलीट हो जाते हैं तो वो फिर से उस सेक्शन नंबर पे दूसरा कोई प्रोविजन नहीं आता है वो एक्ट में ऐसा ही रहता है और आखिर में बोला जाता है दिस सेक्शन हैज बीन डिलीटेड सो वेन यू वे यू रीड द लाइन फर्स्ट चेक इज दिस सेक्शन स्टिल देयर और इज इट नॉट देयर सो प्लीज अंडरस्टैंड चलो एक्ट में बोलो पहले कितने सेक्शन है टू नाइनटी एट सेक्शन एंड फोर्टीन शेड्यूल्स सेक्शन के नीचे सबसेक्शन क्लॉज सब क्लॉज आइटम नंबर्स प्रोवाइजो इज एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन क्लियर है क्या ये नोट किया क्या आपने बस यहां तक नोट करना है चलो जल्दी करो कर रहे हैं क्या आज की तारीख में नोटिंग चला चला लोकर नोट करा क्या हो गया चमेली इंफोसिस में काम कर रही है वो गरीब निकली बोलते हैं <laughs> हर्ष बोलता है चमेली इज वर्किंग विथ इन्फोसिस शी शुड पे क्या रे हो गया ए, राइट फर्स्ट ना हा मंडे को भी लेक्चर्स यूट्यूब पे ही होंगे क्या रे डन है फिनिश राइटिंग प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है क्लैरिफिकेशन ओके हाँ बिलो दैट यू राइट डाउन आई डिक्टेट ये इतना लिख के हो गया क्या पहले हुआ क्या फिर लिखो Subsections are related to each other. Subsections are related to each other. <clears throat> Subsections are related to each other. And clauses are not related to each other. Subsections are related to each other. एंड क्लॉजिस आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर आइटम नंबर में क्या आता है ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है आपको सबसेक्शन हो गया क्लॉज हो गया फिर भी और भी उसके नीचे सब पॉइंट एड करने जाने है. तो उसको फिर आइटम नंबर बोलते हैं ठीक है यस डन है क्या यहां तक डन है आपका लिख के हो गया अब सरचार्ज बता दू रेडी फॉर सरचार्ज चलो चलो रेडी है क्या बस लास्ट ट्वेंटी मिनट्स ऑफ द क्लास देन हो ही जाएगा टेन थर्टी थ्री हो गया अनादर लास्ट ट्वेंटी मिनट्स तो काफी अच्छे से हमारे ऑलमोस्ट थ्री आवर्स तो निकल गए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ओनली लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स रेडी फॉर सरचार्ज यस चलो पहले सरचार्ज पढ़ने से पहले फटाफट -फड़ स्टार्ट करो आज हमने कहा से लिखना चालू किया क्या क्या लिखा आज हमने देखो जरा बहुत लिखा क्या आज बहुत लिखा है आज क्या क्या पढ़े आज हम लोग देखो जरा कहा से स्टार्ट किया हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स ओ तो किंग्स के जमाने से क्या हो रहा है टैक्स है फिर आया रिवोल्ट 1857, 1857 में रिवोल्ट किया तो गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की सारी ट्रेजरी खाली हो गई फिर उन्होंने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया 1860 में टैक्स इंट्रोड्यूस किया फिर और एक टैक्स आया इनकम टैक्स एक्ट 1922 फिर हमने उसमें चेंजेस करके और फाइनली जो टैक्स हम पढ़ रहे वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं इट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 सिक्सटी एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023 इज दैट क्लियर यस उसके बाद बोलो क्या लिखा हमने हाँ टैक्स के रेट सीखे वो तो अभी अपने को पिट हो गए हो गया ना जीरो टू टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू फाइव लैक्स फाइव लैक्स टू टेन लैक्स अबाव टेन लैक्स तो जीरो टू टू फिफ्टी रेट क्या है जीरो परसेंट टू फिफ्टी टू फाइव लैक्स टू टेन लैक्स अबाव टेन लैक्स ये हमने इंडिविजुअल के लिए सीखा और अगर इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है अच्छा एक और चीज आपको बताते है. ये भी सीनियर और वेरी सीनियर कौन हो सकता है ओनली रेसिडेंट कौन हो सकता है ओनली रेसिडेंट लिख के दूंगी डोंट वरी कौन हो सकता है ओनली रेसिडेंट जो इंडिया के बाहर रहते हैं इंडिविजुअल अच्छा इंडिया के बाहर रहने वाला इधर क्यों टैक्स देगा उसने एक इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदी वो रेंट पे दे दी यार तुम इंडिया में पैसे कमा रहे हो तो इंडिया में टैक्स तो देना चाहिए कि नहीं कुछ गलत है क्या बोलो तुम इंडिया के बाहर रहते हो लेकिन तुमने प्रॉपर्टी किधर लिया इंडिया में प्रॉपर्टी से रेंट कमा रहे हो ना कहाँ कमा रहे हो रेंट इंडिया में तो यार इंडिया में टैक्स देना चाहिए कि नहीं कुछ गलत बोला क्या बोलो तो हाँ इंडिया में अगर पैसे कमा रहे हो तो इंडिया में टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए तो ये जो एनआर है जो इंडिया में नहीं रह रहा है फिर भी इंडिया में आके टैक्स देना पड़ता है उसका एज कुछ भी हो उसके उसके लिए BEL will always be उसके लिए BEL will always be एक वो बाहर रह रहा है, 60 है, है, है। फिर मुझे क्या करना है उसको क्यों दूं मैं एडवांटेज हायर बी एल का बेनिफिट तीन लाख पांच लाख ये मैं किसको दूंगी ओनली टू अ पर्सन हु इन इंडिया बाहर वालों को क्यों दू बराबर है ना तो कौन सीनियर बनता है रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल एटी और वेरी सीनियर बरोबर है बोलो बोलो. बरो बरे क्या ये सब बोलो ना यार बरोबर है ना हाँ तो आज आपको ये स्लैब सिखाया मैंने ठीक है फिर रिबेट सिखाया रिबेट क्या होता है डिस्काउंट किसको मिलता है रेसिडेंट इंडिविजुअल इज अप टू पांच लाख से कम को डिस्काउंट मिलेगा हाँ इक्वल टू फाइव लैक्स को मिलेगा हाँ अब फाइव लैक्स नो एन टी आई बरबर है का यस रिबेट हो गया और एचईसी क्या है फोर परसेंट सबको एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल यस अब क्या सीखना है सरचार्ज वाओ सो लेट्स लर्न सरचार्ज राइट डाउन कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स इट इज टैक्स ऑन टैक्स if nti exceeds oh my god Interpretation देखो तुम्हारा सही है क्या सर चार्ज इज एप्लीकेबल इफ एन टी आई एक्सीड्स फिफ्टी लैक्स सर चार्ज इज एप्लीकेबल इफ एन टी आई एक्सीड्स फिफ्टी लैक्स मतलब एग्जैक्ट फिफ्टी लैक्स पे सर चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा एक्जैक्ट फिफ्टी लैक्स पे सरचार्ज नहीं लगेगा सरचार्ज लगेगा ओनली इफ यूर एन टी आई एक्सीड फिफ्टी लैक्स सरचार्ज इज एप्लीकेबल मतलब 50 के है. Exact 50 पे नहीं होगा अब सरचार्ज के रेट क्या है एनटीआई <coughs> लिखो इधर अबाउ फिफ्टी लैक्स अपटू वन करोड़

फाइव करोड थर्टी सेवन परसेंट ये एन की बात हो रही है एन टी अबाव अबाउ फिफ्टी अप टू वन एन टी आई अबाउ वन क्रोर अप टू टू अबाउ टू करोर अप टू फाइव एंड अबाउ फाइव करोड़ क्या रेट है बोलो रेट्स है ये क्या है रेट है रेट्स टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी सेवन परसेंट ये स्लैब नहीं है ये क्या है रेट्स है डायरेक्टली उधर जाना पड़ेगा आपको ठीक है अब ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना रेडी है okay. Example number क्या तुम ओके एग्जाम्पल नंबर क्या है अभी अपना eight. ये एट लिखो क्या एग्जाम्पल नंबर एट किसका इनकम लेंगे रे आकृति आकृति लेती हूँ ठीक है अयो आनंद सर को पूछा कि वो लंदन में टैक्स देते क्या क्यों नहीं देते क्या नहीं देते? क्या बोलते हैं अरे ठीक है ठीक है. है अभी विद प्रूफ तुमको दिखाना पड़ेगा फिर है ना हाँ चलो आकृति एन टीआई फिफ्टी फाइव लैक्स इनकम टैक्स एक्ट तुमको नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई ठीक है लिखा क्या इधर तक आई कितना है फिफ्टी अच्छा, फाइव सुनो अभी दो मिनट कैसे लिखने का मैं आपको दिखाती हूँ एन टी आई फिफ्टी फाइव लैक्स आई कैन हियर यूज द लिफ्ट पे अटेंशन बेटा डू आई नो आउट ऑफ दिस फिफ्टी फाइव लैक्स ऑन टेन लैक्स आप हेडलाइन टर्न करो हेडलाइन ढूंढो जहां दस लाख पे टैक्स कितना है हमने लिखा हुआ है देखो नहीं नहीं, नहीं 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 मुझे नहीं 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 हेडलाइन टर्न टर्न योर ओवेज टर्न योर एज एवरीबॉडी टर्न योर एज फास्ट शो मी रिटन हेडलाइन लिखा ना दस लाख एन होगा तो कितना टैक्स सीनियर नॉर्मल ऐसा हेडलाइन लिखा ना चलो टर्न करो टर्न करो टर्न करो शो इट टू मी सो डू वी नो दस लाख पे टैक्स इज गोइंग टू कम एज वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बेटा डू वी नो दिस यस देन क्यू टाइम वेस्ट करने का कैन वी यूज द लिफ्ट यस बट एट प्रेस्टीज वी कॉन्ट यूज तुम्हारे चक्कर में अर्ली मॉर्निंग लिफ्ट बंद रहता है मुझे भी यूज नहीं करने आता है, है ना स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट पे लिफ्ट यूज करना अलाउड है क्या नहीं देव हंड्रेड रुपीज फाइन इफ यू गेट कॉट यू आर आर यूजिंग द लिफ्ट विच लिफ्ट इज वर्किंग डेट साइड हाँ देन आई ऑल्सो कम फ्रॉम देअर नाउ बट यू ऑल डोंट यूज इट्स नॉट अलाउड हाँ पकड़े जाए तो Haan, तो पाँच सौ रुपया देना पड़ेगा फाइन ठीक है ना अब सुनो फिफ्टी फाइव लैक्स में से टेन लैक्स फिफ्टी फाइव लैक्स में से टेन लैक्स पे टैक्स कितना है वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड बचा कितना फोर्टी फाइव लैक्स फोर्टी फाइव लैक्स पे टैक्स इज एट थर्टी परसेंट डायरेक्टली क्योंकि दस लाख के ऊपर तुम जो भी कमाओगे उस पर टैक्स कितना लगेगा थर्टी परसेंट झेपता है क्या फोर्टी फाइव लैक्स का थर्टी परसेंट बोलो कितना है? अरे बोलो ना फोर्टी फाइव लैक्स का थर्टी परसेंट कितना नहीं तो हर्षद सर बोलते वैसा तीन अटेम्प्ट लगेगे चिपक चिपक के कॉपी किया तो समझा क्या कैलकुलेट करो सबने कैलकुलेट करने का चलो फोर्टी फाइव लैक्स पे थर्टी परसेंट थर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड अच्छा मैम बाई चांस ऐसा हो गया कि मुझे एग्जाम में मैं भूल गई कि दस लाख पे टैक्सेस वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अरे लिफ्ट काम नहीं कर रहा है तो लैडर तो कर रहे हैं ना स्टार्ट कैलकुलेटिंग जीरो टू टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू फाइव फाइव टू टेन एंड अप टू टेन देन कैलकुलेशन कैलकुलन कम एट वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड दस लाख के ऊपर क्या है फोर्टी फाइव लैक्स तो फोर्टी फाइव लैक्स पे कितना आएगा थर्टी परसेंट सो दैट इज हाउ मच थर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड सो टोटल फोर्टीन लैक्स सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टीन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बराबर है क्या यहां तक आ गए क्या पक्का तो कहना है से टैक्स फोर्टीन लैख्स सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब क्या करेंगे अब लगेगा सरचार्ज क्यों क्यू लगेगा इनकम इज अबाउ फिफ्टी लैक्स

तो यहाँ सरचार्ज का रेट क्या होगा 10% 10% ऑन फोर्टीन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन लैख सिक्सटी टू ओ सॉरी सॉरी विल राइट विल राइट अगेन वेट 146,250 टू फिफ्टी इसको ऐड करेंगे तो बोलते हैं टैक्स प्लस सरचार्ज बोलने का और आखिरी में सेस आता है लास्ट में सेस आता है हमेशा ये लिखो मैं किस पे कैलकुलेट कर रही हूं टेन परसेंट ऑलवेज सेम यस बेटा बोलो कितना सिक्सटी सिक्सटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी टैक्स लाइबिलिटी सिक्सटीन सेवेंटी थ्री वन हंड्रेड ऑलरेडी राउंडेड ऑफ सो नो नीड टू राउंड ऑफ देखो किसी को कोई डाउट है क्या बेटा कुछ भी डाउट है तो हेजिटेट मत करो बिंदास पूछो यार डाउट है क्या नहीं है डाउट नहीं है क्या बोलना फिर अरे ये वाला मतलब क्या पूछना? अच्छा टेन लैक्स वाला तो करती हूँ ना मैं लिफ्ट नहीं यूज करूँगी ठीक है हाँ अब सुन फिफ्टी फाइव लैक्स फिफ्टी फाइव लैक्स को स्टार्ट करते जीरो टू टू फिफ्टी जीरो टू टू फिफ्टी जीरो परसेंट जीरो बराबर है ना हाँ उसके बाद क्या है टू पॉइंट फाइव टू फाइव लैक्स कितना इनकम है टू फिफ्टी टू फिफ्टी पे फाइव परसेंट कितना आएगा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव लैक्स टू आयो आयो अयो फाइव लैक्स टू टेन लैक्स कितना इनकम है पांच लाख पे क्या टैक्स का रेट है तो हो गया ना बेटा इधर से आया ना एक लाख बारह हजार पांच सौ दस लाख पे कितना टैक्स आता है यहाँ दस लाख पे एक लाख बारह पांच सौ तो वही लिखा ना मैंने एंड अबाउट टेन लैक्स व्हाट इज अबाउट टेन लैक्स फोर्टी फाइव लैक्स तो वही किया ना अपन ने दस और फोर्टी फाइव किया तो फोर्टी फाइव लैक्स पे कितना टैक्स है थर्टी परसेंट विच इज़ थर्टीन लैक फिफ्टी थाउजेंड सो इज़ फोर्टीन लैक्स सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड अंडरस्टूड टेन लैक्स जीरो टू टू फिफ्टी फाइव टू टू फिफ्टी टू फाइव फाइव टू टेन वो मैंने डिरेक्टली लिख लिया हेडलाइंस में हमने लिखा है ना दस लाख पे टैक्स कितना आता है हाँ तो मैंने वो यूज़ किया चलो एक आप आखरी एक करो कैलकुलेशन एग्जाम्पल नंबर बोलो क्या है नाइन एग्जाम्पल नाइन बाबूराव जेठालाल चलो कैलकुलेट करो मैम ये लिखने तो दो लिखा नहीं तुमने आकृति का लिखा नहीं तूने बेटा लिख ले जल्दी तुमने आकृति नहीं लिखा था क्या मेरे साथ ए लिखा था ना ऊपर का हो गया क्या क्या रे डेसिमल में नहीं लिखते सिर्फ डेसिमल में नहीं लिखना राउंडिंग ऑफ डायरेक्टली टैक्स लाइबिलिटी पे करेंगे सरचार्ज को डायरेक्टली यहां पे रेट आएगा 15 परसेंट डायरेक्ट स्लैब नहीं है सरचार्ज स्लैब नहीं है कि यहां तक तो 10 परसेंट वहां तक ऐसा नहीं है सरचार्ज इज अ रेट डायरेक्टली यहां कौन सा रेट यूज होगा ए एक करोड़ के ऊपर है ना तो क्या रेट यूज करोगे सरचार्ज का फिफ्टीन परसेंट तो सरचार्ज का रेट यहाँ होगा 15 परसेंट सरचार्ज का रेट है ये स्लैब नहीं है यहाँ से यहाँ तक ऐसा नहीं है डायरेक्ट रेट यूज करना है 15 परसेंट अवगढ़ है कौन है तेरा हो गया क्या कौन सॉल्व करेगा क्या इधर फटाफट करेगा क्या आ जाओ जल्दी आओ रहा जल्दी नोटबुक लेके आई नोटबुक लेके आओ इधर फिर से कैलकुलेट करने में टाइम मत स्पेंड कर ये तूने कैलकुलेट किया कि नहीं किया है हाँ ये ले डायरेक्टली ये वाला पार्ट लिख दे पहले हाँ लिख इधर लिख टैक्स पहले वो वर्किंग ये कर दे फिर लिखना रब, रब कैसे होगा ये है, इरेजर. अब ये चूज कर हाँ ये यूज कर ना अभी कैलकुलेटर में फटाफट -फड़ लिख तू पहले ये कंप्लीट कर ये वाला पार्ट कंप्लीट कर फिर उसका वर्किंग लिखा देख लो हो गया अब कैसे करी तू तो, दस लाख पे हाँ, डायरेक्ट ही ना हो गया आया क्या सबको जम रहा है क्या ये तो सरचार्ज चार्ज क्यों नहीं लगाया नहीं, वे ऐड करके ऐसा नहीं करते क्या रे तू इरेज कर अवगढ़ है ये यही रे है। ऐसा नहीं करते किसने बोला रहे है? ऐसा करते वर्किंग हम क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या टैक्स प्लस सरचार्ज लिख पूरा डिटेल में ऐसा किया तूने नोटबुक ऐसा सब कैंसिल सब दो बार लिख के आने का अभी डायरेक्टली टैक्स के अमाउंट में सरचार्ज ऐड कर दिया है सरचार्ज कहीं है ही नहीं मैं कितना ऐसा मैं डिटेल में लिख रही हूं ऐसा लग रहा है मेरा एग्जाम है और इसने ऐसा पूरा शॉर्टकट में लिखा है सब कुछ मैं इधर लिखते हैं दस लाख फोर्टी फाइव लैख्स कुछ नहीं लिख रहा तू क्या नाम मेरा तेरा जिगर टैक्स बराबर है क्या उसका हाँ ठीक है ठीक है सर चल प्लस चलता है, चलता है मैं बाद में करेक्शन कर दूंगी इट्स नॉट इजी टू राइट हेयर वो थोड़ा आदत होना पड़ता है ना इसके लिए मैं आऊ क्या सॉल्व करने आकृति आ जा कहां से आने वाली है तू कहां से है कौन है कौन इधर से टाइप कर रहे है तू क्यों रही यूट्यूब पर टाइप कर रही है मेरे को लग रहा है मैं बिचारे ऑनलाइन वाले बच्चों के नाम ले रही हूँ और ये इधर के बच्चे <laughs> अच्छा ठीक <laughs> है अभी कर रहा है ना वो अगले क्वेश्चन पे आना होमवर्क दूंगी ना तो आप ही से सॉल्व कराऊंगी ऐसे जब दस मिनट ब्रेक होता है ना ब्रेकफास्ट ब्रेक तो जो होमवर्क करना चाहते हैं वो इधर ही पहले होमवर्क सॉल्व करेगा स्क्रीन पे ऐसे होता है हाँ हाँ देती हूँ ना आज का होमवर्क इसको तो मिल गया ऑलरेडी होमवर्क ये दो बार और लिख के आना है टैक्स सर चार्ज ये करेक्टली ऐसे करके ऐसे शॉर्टकट में नहीं करना है तू कहां से गुजरात से ठीक है क्या गलत हो गया सही है क्या गलत हो गया ये दस लाख पे वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड है ये बचे हुए सेवेंटी फिफ्टी टू लैक्स थ्री हंड्रेड पे टैक्स है इज योर टैक्स कमिंग टू वॉट इज दिसक्स ट्वेंटी एट थाउजेंड वन नाइनटी एट ये 52, 28, के yes. फिर सरचार्ज एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट 15 ऑन 52 टू लैक्स ट्वेंटी एट थाउजेंड है सेवन yeah. तो टैक्स प्लस नहीं लिखा भारी है तू किधर है रहे? ऐसा क्या करता है रहे तू? ये ना हाँ हाँ ये 60 क्या लिखा है तूने हाँ ट्वेल्व बराबर है क्या फिर ऐड किया सेस तो फिर टोटल आ रहा है कितना तो सिक्सटी टू लैक्स फिफ्टी टू थाउजेंड नाइन ट्वेंटी ओके क्या एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट जिगर ये ले नाइस nice. बट आगे ये ऐसे मत करना डन ओके डन ओके आई एक्चुअली गिव यू सम स्मॉल टॉफी एंड ऑल इफ यू आंसर राइट इफ़ यू आर्ट गुड क्वेश्चन अभी नहीं अभी मैं कल से इसको बोलती हूँ मंगा के रखेगा यहाँ पे ठीक है चॉकलेट का डब्बा एंड देन आई विल गिव यू नो डेयरी मिल्क बेटा डेयरी मिल्क एवरी चैप्टर विल हैव कैडबरी क्वेश्चन तो जितने बच्चे उसको सही सॉल्व करेंगे कैबरी क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन तो जितने बच्चे उसको सही सॉल्व करेंगे उतने बच्चों को फिर कैडबरी मिलेगी फिर मैम सिल्क मिलेगी या क्या मिलेगी इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू कैट इट राइट ओके ओके वॉट पार्टी वॉट पार्टी समोसा ये प्री रिजल्ट वालों ने समोसा खा लिया आइसक्रीम खा लिया है <laughs> चलो होमवर्क ले लो दहिया के के दहिया तुझे समझ में आया या नहीं आया अभी मैंने तो बता ही दिया थैंक यू राधा ए होमवर्क लेते क्या शिवम बोलते ऑनलाइन वालों को कुरियर कर देना एन टी आई ऑफ शिवम पे करू पेटीएम करो नहीं करना है अभी पेटीएम करो पेटीएम करो पेटीएम का पे कर, क्या हाल है पता नहीं क्या तुझे चलो हो गया क्लास खत्म हो गया ओहो oh, oh. अरे कल भी तुम नहीं मिलोगे यार क्या डिरेक्टली मंडे को ठीक <laughs> है एनटी ऑफ शिवम इज अच्छा एक मिनट एक सेकंड पहले ये समझा क्या यहाँ सरचार्ज का रेट गलती नहीं करना डायरेक्टली फिफ्टीन परसेंट है सरचार्ज का रेट होता है एक बार आपने एन टी आई वन करोड़ के ऊपर हो गया तो सरचार्ज का रेट फिफ्टीन परसेंट है ठीक है अब शिवम का एन टी आई है क्या वन एटी तक दिया था ना एग्जाम्पल ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल नंबर क्या है टेन अरे कॉमा है रे बाबा अवगढ़ बाबू राव बाबू राव का एज क्या दू अभी आपको पांच करोड़ ठीक है क्या इतना करोगे होमवर्क के लिए कौन सा एग्जाम्पल टेन एंड एग्जाम्पल इलेवन आई विल चेक दिस ऑन मंडे कल के संडे की आपको छुट्टी है आदत मत डाल देना कि ये एवरी संडे वाला सीन नहीं है एंड यू ऑल वर फेंटेस्टिक टूडे थैंक यू सो मच इट वॉज अ वंडरफुल सेशन थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो आईल मीट यू ऑन मंडे सेवन थर्टी अच्छा संडे के दिन कपड़े धोने का काम तो करना ही है प्लस आपको थोड़ा सा इन्जॉय भी करना है स्विच इन स्विच आउट करना बहुत ही जरूरी होता है संडे इवनिंग का जो टाइम होता है नो बड़ी स्टडीज नो बड़ी स्टडीज संडे फर्स्ट हाफ यू हैव टू स्टडी एनी बडी हुटडिंग ऑन संडे इवनिंग और उसके फ्रेंड से कि यू ऑल कैन कम एंड रिपोर्ट टू मी कि मैम ये शाम को संडे को पढ़ रहा था तो संडे को पढ़ना नहीं है इवनिंग में नहीं पढ़ना है मॉर्निंग में पढ़ना है ठीक है क्या मॉर्निंग में पढ़ाई खत्म कर लो सेकेंड आप एंजॉय करो ठीक है यस yes. चलो बाय आई मीट यू ऑन मंडे लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स डू यू हैव एनी क्वेरी लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स बंद करो नाम लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन वालों आपकी कोई क्वेरी है क्या आखिरी को डे आजा मैं इधर ही हूं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ रिलैक्स चिल यस लाइव स्ट्रीमिंग वालों को एक बार पूछ लेती हूँ फिर तुम आ सकते हो आ जाओ आ जाओ यू कैन कम लाइव स्ट्रीमिंग वालों को हाई भी बोल सकते हो सरचार्ज इज सेम फॉर ऑल एज यस yes, उन्नत सर का रेट इज सेम फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स एज में सिर्फ बीएल फर्क पड़ता है और कुछ नहीं सरचार्ज सेम है एच सेम है ओके okay? बोलता चमेली मेरी है, उसका नाम मत लो <laughs> एक ही चमेली है क्या पूरी दुनिया में अगर हाँ, 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 बोल बेटा। अगर रिबेट फाइव लाख के ऊपर एक रूपए भी आया तो तो नहीं मिलेगा मिलेगा करेक्ट उसे करेंगे ना एनटीए जो राउंडेड ऑफ है वो अगर करेंगे तो रिबेट मिलेगा करेक्ट और भी हाँ, 50 एंटे को हमेशा राउंड ऑफ करके फिर आगे जाने का हाँ मैम सर चार्ज का सेक्शन क्या है तेरे तो कल बताती हूँ मैम ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर रहे हैं नाइन फाइव का ऑर्डर प्लेस करा था सोनाली ठीक है वील चेक सोनाली यू नीड टू गिव मी योर डिटेल्स सो आई कैन टॉक मैम हमें एक्स्ट्रा बुक चाहिए इनकम टैक्स की क्यों चाहिए एक्स्ट्रा बुक एग्जाम्पल नंबर नाइन दिखाओ ये लो एग्जाम्पल नंबर नाइन दिखाया पता नहीं है मुझे हाँ मेरा कंपलसरी यस मैम मेरे को तो बुक मिल गई बेस्ट है डन ए लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट दैट्स इट एनी अदर डाउट यू हैव स्ट्रीमिंग ऑन राउे हाँ लिख सकते हैं यस यस करंट ईयर प्रीवियस इज इसके दो नाम है निक नेम एक निक नेम है एक नाम है ऐसा उसी ईयर को पीवाई के नाम ay. से भी जाना जाता है उसी ईयर को एवाई के नाम से भी जाना जाता है ईयर मतलब मयंक ओके ऋषभ सिंह नो अपडेट्स फ्रॉम डिस्पैच टीम हो जाएगा बेटा आई विल टॉक अबाउट क्या बोलते हैं हम लोग बात करेंगे uh, आपका कोई ग्रुप बनाएंगे उधर आप मुझे किस तरीके से तो आप मैसेज दे पाओ ऐसा देखेंगे आपको आज बोलती हूँ अभी मैं ऑफिस में जाती हूँ और ही देती हूँ क्यों नहीं दे रहे तो मैं अंकिता मैम के क्लास के बाद या आनंद सर के लेक्चर में अनाउंस करवाती हूँ कि आप बुक्स लेने जा सकते हो ऐसा रिसीट ही चाहिए होगा हाँ ऑनलाइन वाला चलेगा ना ऑफ कोर्स मैम फिर ये एच फंड सेपरेट होकर पहुंचे हैं पहुंच पहुंचते हैं क्या हाँ अलग से रिकॉर्ड होता है उसको एग्जाम्पल नाइन का वर्किंग रिपीट करूँ बेटा सेम लाइंस पे है नाइन इतना क्या हो गया पीयूष वन क्रोर एट्टी वन क्रोर एट्टी फिफ्टी टू लैक्स अवगढ़ है हाँ सरचार्ज फिफ्टीन परसेंट लगाया देखो टैक्स वन करोड़ एट्टी फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड पहले दस लाख पे कितना टैक्स आएगा ए कोई मुझे बुक दिखाना ए लैग हो तो एक का मैं सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट करूं मैंने बोल दिया बुक्स के बारे में ना बेटा आपको ए, इसका थर्टी परसेंट कितना आ रहा है मुझे कोई बताएगा वन सेवेंटी फिफ्टी टू का अरे वो जेठा लाल वाला यार फिफ्टी वन लैख सिक्स नाइन्टी तो टोटल कितना हो गया फिफ्टी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट वन नाइन्टी तो यहाँ आएगा टैक्स फिफ्टी टू ट्वेंटी एट वन नाइन्टी अब उसके ऊपर क्या आएगा सरचार्ज सरचार्ज 15% फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ऑन फिफ्टी टू लैक्स ट्वेंटी एट वन सरचार्ज ऐसे ही होता है डिरेक्टली फिफ्टीन परसेंट फ्लैट डिरेक्टली फिफ्टीन परसेंट कैलकुलेट होता है कितना आ रहा है वो सेवन लैख सो टी टैक्स प्लस सरचार्ज सिक्सटीन लैक ट्वेल्व थाउजेंड हाँ सॉरी ऑफ़ कोर्स सिक्सटी सिक्सटी लैक्स ट्वेल्व थाउजेंड फोर वन नाइन अब इस पर एड करोगे एच ई सी अब इसमें क्या डाउट है पूछो क्यों मेरे को फिर से कैलकुलेट करने लगा रहा है टू फोर्टी फोर नाइन्टी सेवन तो टोटल क्या आ गया सिक्सटी टू फिफ्टी टू 916 so rounded off as 6252 920 done again yes all right are we done okay live streaming done thank you bye-bye